भाई हम लोग बात कर रहे थे ना कि कैसे चश्मे के ऊपर ये जूम पे आजकल वो आ जाता है रिफ्लेक्शन। तो ये तो खैर मेरी लाइटिंग तो है ही माशाल्लाह, इसमें इतना एक सिंपेक्स कंपनी नाम की रिंग रिंग लाइट आती है। लाइट आती है, तो वो हाँ मैंने यूज हाँ कर रखी है। तो उसके नीचे ज्यादा देर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि एपिलेप्सी होने वाली है। पर ये ऑलरेडी इसलिए भी आता है बिकॉज मेरे चश्मे पे एक बार रसगुल्ले की चाशनी लग गई थी, जो अच्छा, वो अभी तक गई नहीं। वो उसको मैंने हर चीज नेल पॉलिश रिमूवर से लेके सैनिटाइजर से लेके हर चीज से ट्राई कर लिया, लेकिन वो समझ रहा नहीं हूँ, जाती। तो मैं रसगुल्ले की चाशनी के थ्रू दुनिया को देखता हूँ, जमी हुई है समझ जो गया कुछ महीने समझ पुरानी। गया। मेरे ऐसे ना पसीना चमक जाता है, मैं आई स्वेट अ लॉट, तो मेरे हाँ ना शूट करते वक्त भी पसीना बहुत चिपक जाता है और उसके ना पैच बन जाते हैं, और वो मैं साफ करता रह जाता हूँ। मैं बड़ा मतलब मैं कसम से चश्मे देखो, स्कूल स्कूल से लगे हैं चश्मे शुरुआत से। हाँ, स्कूल के जब से मतलब बेसिकली एडिटिंग में घुसा हूँ मैं। दैट्स अ नाइस हाँ सेगवे, बट या हाँ नहीं इसलिए क्योंकि कोई चश्मे वाले ये वाली बात नहीं करते कि जब आप कहीं गाड़ी से या कहीं बस से बाहर निकलते हो सर्दियों में या कभी गर्मी में भी, तुरंत आपके चश्मे पे एक फॉग आ जाती है। ओहो, और मास्क के साथ, हाँ मास्क के साथ तो भी। और बुरा सीन हो गया। एंड स्पेशली व्हाइल आई एम शूटिंग, क्योंकि हाँ मोस्ट ऑफ माय लाइफ इज स्पेंट कैमरे के साथ, तो मेरा दर्द समझ नहीं पाते लोग ये वाला, कि शूटिंग करने में बहुत दिक्कत हो जाती है मेरे को, क्योंकि फॉग फॉग भर जाता है। तो हाँ इट्स बीन अ स्ट्रगल, बट या इट इज व्हाट इट इज। अब तो मास्क की भी आदत लग गई, तो अब तो हर चीज की आदत लग गई है ब्रो। बट ऑन दैट जिंदगी नोट यही मुझे हो गई। याद आया कि वो स्कूल में मैं कई बार ना, मतलब हमारा स्कूल पास में था तो मैं कार में चले जाता था घर पे, मम्मी छोड़ देती थी। कई बच्चे यू नो बस में जाते हैं ऐसे वैसे, तो मुझे याद है मैं ना गेट से थोड़ी देर पहले उतरता था ताकि वो जब तुम सिग्नेचर एंट्री करते हो ना कि अरे हम आ गए हैं स्कूल, आते ही चश्मे पे फॉग आ जाती थी। तो फॉग अच्छा आ जाती थी, इस वजह से उसको साफ करने के लिए स्कूल की शर्ट से थोड़ा समय लगता है ना। तुम अब तुम ऐसे आ रहे हो कि मैं आ चुका हूँ, हाँ तुम्हें देखता है तुम्हारी आंखों में फॉग है, तो वो बीटी होती है। तो पहले हाँ मैं लिटरली स्कूल के अंदर चश्मा उतार के ऐसे साफ करते हुए आ रहा होता था कि गेट के अंदर हाँ आके फटाफट ऐसे। हाँ भाई राइट। जब्त जब्त और इंटैक्ट है, स्कूल में तो घर वालों को पहले थोड़ा इसलिए भी उतार देते थे ना, पता नहीं कोई बेस्ती वेस्ती ना हो जाए, तब तो बेस्ती ऐसा वेस्ती ना हो जाए। भाई लगता आपके घर वाले चाहे कितने खूबसूरत हो या अगली हो, आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये तुम्हें एम्बेरेस कर सकते हैं, जो कि एक, और भाई कई लोगों के घर वाले बहुत ही ज्यादा उन्हें एम्बेरेस करते हैं। बट एवरीवन इज सॉर्ट ऑफ, नो वन इज लाइक माय पेरेंट्स आर कूल, आई एम प्राउड टू शो देम ऑफ, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा वो एक रहता है। और तब भी सब ट्राई कर रहे होते हैं कि दूसरे को पता ना लगे, जब सबको पता है कि मेरे भी ऐसे ही है, तुम्हारे भी ऐसे है, आओ हाँ एम्ब्रेस क्यों नहीं कर लिए ऐसे। बट ये सब बातें ना आगे जाके अब समझ आती है कि भाई कैसी कैसी चीजों पे शर्मिंदा मतलब होते थे। बड़ी बट सिंपल या सिंपल बातें करण, जैसे कोई स्कूल में तुम्हारे जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग में अगर किसी के घर वालों ने इंग्लिश नहीं बोली तो फिर अच्छा ऐसा, छोटी छोटी चीजों पर इंसान ऐसे जज करता है राइट कि मैं तो किसी बड़ा के पे, इनसिक्योर था काफी चीजों को लेकर इस टाइम पे। जैसे मतलब जैसे यही जो पीटीएम वाली बात याद आई मेरे को, मैं पीटीएम में बड़ा इनसिक्योर होता था, जब मेरे मेरे ना पापा को आने का शौक था, और मेरे हाँ पापा ना बड़े मतलब मेरे पापा खारी बौली के बिजनेसमैन है। ऑफ हाँ, कोर्स तो मेरे पापा भी है, मैं रिलेट कर सकता हूँ। हाँ तो वो मसालों का काम करते हैं, तो बीच बीच में फोन आते रहते हैं, वो बाउजी बाउजी करते रहते हैं, वो मंदी चल रही होती है मार्केट की, तो वो सब बातें होती रहती है। तो मैं बड़ा वो होता था कि भाई यहाँ आके ये बात करने लगे हो तुम। एंड मैं एकेडमिकली थोड़ा वो था, तो मेरे को ऐसा लगता था टीचर सोचते होंगे कि ये कैसे से पापा है इसके, बट वो हाँ। तो बट फिर मैंने धीरे धीरे एम्ब्रेस कर लिया कि मेरे कितनी पापा भी अपने वे में अच्छी बहुत बात हम लोग कर रहे हैं इस टाइम पे, बिकॉज मेरे को याद है मेरे पापा काफी गाली गलौच में विश्वास रखते थे मतलब फोन पे, जैसे पता ही है जिस तरह का व्यापार होता है थोड़ा सा, यू नो आपको अगर थोड़े मतलब यू नो इलिटरेट लोगों के साथ डील करना होता है तो आपकी भाषा भी नेचुरली ऐसी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो एक बार की याद है हम लोग शॉपिंग मॉल में जा रहे थे, मैं मेरी मम्मी मेरी बहन और मेरे पापा, मेरे पापा ने, पुरानी बात 2000 अर्ली 2000s की बात है, मेरे पापा ने एकदम पे फोन पे बहुत गंदी गंदी गाली देनी शुरू कर दी। इन दिनों में फरीदाबाद में पहला ही मॉल बना था, इन दिनों में मतलब यू नो योर सपोज सोसाइटी, तुम्हारे मन में जो कूल लोग होते हैं, कूल लड़कियां कूल लड़के जिन्हें तुम इम्प्रेस करना चाहो, तुम्हारा समाज, वो सब भी आसपास आया होगा जरूर। मेरे पापा इतनी गंदी गाली दे रहे थे कि मेरी मम्मा को भी लगा कि हमें डिस्टेंस कर लेना चाहिए। तो एक परिवार जो पहले साथ में चल रहा था उसके बाद वो अलग हो गया, एक आदमी आगे फोन पे गाली देता हुआ जा रहा है लोगों को स्कैंडलाइज करते हुए, और दो डरे हुए बच्चे और एक वाइफ। आई इन कैन हाइंडसाइड रिलेट ब्रो आई थिंक इट्स, मतलब जो हम बात करते हैं ना यूट्यूब पे हर जगह, बी ऑथेंटिक, ऑल ऑफ आवर पेरेंट्स आर जस्ट बीइंग ऑथेंटिक, हमें दिक्कत थी बस। दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। फक इंटरेस्टिंग। बट हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड सिंस देन ना, क्योंकि अब तो
जैसे यू नो अब तो खैर पता नहीं शूट्स हो रहे या नहीं हो रहे, लाइक इज देयर अ पार्ट ऑफ यू दैट जैसे शूट्स वगैरह की बात करें अगर, तो जैसे अब इतने अच्छे अच्छे डिजाइनर विजाइनर आते हैं, बड़े बड़े फैशन हाउसेस के लोग आते हैं, तो वो तो इंग्लिश में बात करते होंगे हमेशा, राइट राइट, ये कोई स्कोप नहीं रहता ऐसा कि अरे यहाँ से यहाँ, मतलब थोड़ी हिंदी में नोक झोंक के कोई वो नहीं रहती क्या? नहीं, मैंने ये चीज नोटिस करी क्योंकि ना मैं जहाँ पे मैं रोहिणी में ही मेरा जन्म हुआ, रोहिणी में ही बला पड़ा हूँ, और रोहिणी में लाइक यू डोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में सब गए हैं बट वो नाम नाम का इंग्लिश मीडियम टाइप वाला, मतलब इंग्लिश वाज लाइक कि बल्कि आई रिमेम्बर ऐसा हो गया था कि पनिश, मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए टीचर्स बोलती थी अब इंग्लिश में ही बात करना है, मतलब इट वाज लाइक अ टास्क, नो वन यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश ऐसे, हां ऐसा है, हां तो मेरा तो इंग्लिश को लेके काफी डर रहा है मोस्ट ऑफ लाइक आई थिंक कुछ सालों पहले तक ही, मैं तो बहुत डर हुआ रहता था, आई रिमेम्बर मैं किसी कैंप में गया था तब थोड़ा मैं खुला था, यूरेका वगैरह, यूरेका वगैरह, आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट दिस, तो मैंने देखा था कि अच्छा साउथ दिल्ली भी एक एरिया है, दो तीन साल उधर भी मैं इंटिमिडेट ही हुआ था, मैं कुछ बोलता नहीं था बस सुनता था, बट मेरे को एटलीस्ट यू एंड मी बोथ, हां बता बता अपना एक्सपीरियंस बता, राइट, तो मतलब यूरेका में ही बेसिकली, तो तब तो मैं बहुत इंटिमिडेट होता था, मेरे को वो अलग ही जात के लोग लगते थे, मेरे को लगता था इंग्लिश में अगर वो सोच रहे हैं तो कुछ अलग ही थॉट्स आते होंगे इंग्लिश में, मतलब हिंदी में वो थॉट्स नहीं आ सकते, एंड आई स्टिल स्ट्रगल टू बी फनी इन English, मतलब I still can't be funny in English, so I'm still struggling. I'm not saying कि मैं बहुत वो हो गया हूँ, but मतलब जब मैं स्कूल निकला फिर कॉलेज में एटलीस्ट थोड़ा और मतलब लोग मिलते हैं अलग अलग शहरों से, तो काफी इंग्लिश में एटलीस्ट नॉर्मल बातें थोड़ी चालू हुई, बट मेनली आई गॉट इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश एंड इट वॉज मोर लाइक कि होना पड़ा क्योंकि द फील्ड आई गॉट इन टू विच इज फिल्म मेकिंग, मेकिंग फिल्म फॉर ब्रांड्स, मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन हैपेंस इन इंग्लिश, चाहे वो बंदा कितना भी अंदर से देसी हो, लाइक एटलीस्ट फर्स्ट जो जूम कॉल होगी वो तुम्हारी इंग्लिश में ही होगी, प्रोटोकॉल है ना, तो तब मेरे को लगा यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एटलीस्ट इफ आई कांट कन्वे माय थॉट्स, अगर मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ और अगर मैं वो ढंग से बता ही ना पाऊँ तो फिर फायदा नहीं, तो आई बेटर गेट यूज टू दिस, तो थोड़ा बहुत होना पड़ा, बट नाउ आई रियलाइज एज यू टॉकिंग की कुछ बड़े बड़े फैशन लेबल्स, यार वो मैंने इतने बड़े बड़े लेबल्स, जैसे आई वोंट टेक नेम्स बट बड़े बहुत लाइक मोस्ट नोन डिजाइनर्स, जब दिल में डिनर टेबल्स पे हम शूट्स पे बैठते हैं ना और दिल से मजाक होता है वो भी हिंदी में करते हैं, तो फिर मेरे को अब जाके पता लगा जिन मैं यूरेका वाले बच्चों से इंटिमिडेट होता था यार उनके थॉट्स वही है, जस्ट दैट द एनवायरनमेंट दे वर इन वाज मोर यू नो, सर यही तो बात हम में और आप में कॉमन है, इस फरीदाबाद और इस रोहिणी का जो दर्द है वो एक ही है, लेकिन वो बाद में जाके स्ट्रेंथ बनता है, और क्योंकि यूरेका से मेरे को याद आया, तो मुझे नहीं पता था कोई और भी इंटिमिडेट होता है, पर मेरे को ना ये इस चीज का आभास हो गया था कि मैं एक छोटे शहर से हूँ, और शायद जो अब यहाँ बच्चे आ रहे हैं ये डीपीएसआर के पुरम डीपीएस मथुर मतलब और ऐसे इन जगहों से आ रहे हैं, कोई लोग तो पाथवेज वाथवेज भी जाते हैं, मैं कहाँ से एपीजे स्कूल फरीदाबाद का अपनी अपनी जाति का एक ही इंसान यहाँ पहुंच गया हूँ, क्योंकि मतलब बिल्कुल ही अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ इवन बीइंग सोशलाइज्ड टू स्पीक इन द इंग्लिश लैंग्वेज, मैं भी बिल्कुल मौन ही रहा हूँ पिछले पहले दो साल मैं शीतला खेत गया यूरेका के अंदर, सेम अच्छा हो सकता है हम सेम कैंप पे हो, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारी एज भी सेम ही है ना, राइट, तो माउंटेन बाइकिंग करी थी मैंने, एक साल माउंटेन बाइकिंग, एक साल आउटडोर सर्वाइवल करके होता था मैंने पहले आउटडोर सर्वाइवल और माउंटेन बाइकिंग सेम यही होता है क्योंकि माउंटेन बाइकिंग एक साल बाद इंट्रोड्यूस हुई थी, ऐसा हुआ था कुछ, तो पहले आउटडोर सर्वाइवल करा था मैंने, फिर शीतला केत में माउंटेन बाइकिंग, शीतला केत के चूज करा और तीर्थान, फोटोज में अच्छा नहीं लगा, तीर्थन भी गया हूं मैं 8 साल गया यूरेका, 8 साल गया, 7 साल 7 8 साल, तो तीर्थन में दो बार गया हूं, शीतला केत दो बार गया हूं, एक बार धर्मशाला गया हूं, तो यार यूरेका आई थिंक शेप्ड, मतलब इवन दो अब पता नहीं इतना मेरे को वो ना लगे, बट मेरे पापा ने के फ्रेंड ने किसी ने सजेस्ट किया था कि बच्चों को भेज दो, आई थिंक इट्स मतलब मेरे को खोला उसने कैंप ने, क्योंकि पहले मैं वही रोहिणी के सर्कल में था ना, तो वही बच्चे, या इट वाज एन इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस अंडरनाइबल, तेरा तो 8 साल का था, मैं तो केवल 3 साल गया, और आई थिंक जो वो इवन चीज थी कि तुम टास्क करने के बाद जर्नलिंग करते थे बैठ के, एग्जैक्टली यू नो पहाड़ों पे, और यू वुड लिव इन अ टेंट, चार लोग कूल बुक देते थे, वो कूल बुक मेरे पास सारी पड़ी है, राइट, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर डे, हाँ वो मतलब वैसे देखा जाए तो जर्नलिंग वहीं से शुरू हुई मेरी, हाँ मतलब मैं अभी मेरे को एकदम पे रियलाइज हुआ है, वो शीतला खेत में स्क्वाश पीने तुम जा सकते थे, स्क्वाश मिलता था और गोट मिल्क मिलता था, अच्छा याद है जो दूध दूध मिलता था, इट वाज गोट, इस व्हाट दे सेड, हो सकता है झूठ कह रहा हूं कूल बनने के लिए, पर राइट मुझे ये भी याद है कि
जंक फूड को वो बोलते थे टक टक्स राइट है ना राइट कि अपना जितना भी टक है उसको बरामद अपना आईफोन अपना आईपॉड सब दे दो क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं चाहिए बस तुम असली विपासना थी वो असली विपास ओजी विपासना एंड आई रिमेम्बर सुबह उठते ही एक बोर्ड पे पूरा तुम्हारा रूटीन क्या कहते हैं टाइम टेबल लिखा हुआ होता था और यार आई थिंक इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस फॉर मी ब्रो 100% आई थिंक इनफैक्ट ऐसा होता था कि कभी कोई अगर एक दिन बीमार हो गया कुछ हो गया ना तो फिर वो इंसान है जो उस टाइम पे कैंप पे रहेगा जहां पे जब कोई नहीं होता राइट बिकॉज ये डिफरेंट जैसे रॉक क्लाइंबिंग का एक अलग ग्रुप राइट रोप्स कोर्स का एक अलग ग्रुप आउटडोर सर्वाइवल का अलग माउंटेन बाइकिंग का अलग इन सब ग्रुप्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ये लोग डिपार्ट कर लेते थे कि आज के लिए हम जा रहे हैं फिर शाम को आते थे एक तेरे को याद है ट्रैक करते हुए जब फटरी होती थी तो वो नारे लगवाते थे मोटिवेट करने के लिए राइट 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 और ये जो इंस्ट्रक्टर्स भी थे अब तो पता नहीं यूरेका के उसके बाद से क्या वो हो गया बिकॉज़ दे ओपनड अप टू एडल्ट्स आफ्टर दैट राइट फैमिलीज वगैरह को भी स्टार्ट हां फैमिलीज का कर दिया कोऑपरेशन कर दिया बट उस टाइम पे मुझे याद है कि ये था कि यार जल्दी जल्दी उम्र बीत रही है तो एक एज के बाद यूरेका नहीं जा सकते 18 के बाद नहीं जा सकते थे 18 था नहीं 16 17 कुछ ऐसे ही था 16 16 था मुझे याद है क्योंकि मैं लास्ट अपना 16 की एज पे गया था वो भी उधर गया था चक्राता में रिवर राफ्टिंग के लिए एंड दोस वर कैंप्स दैट यूरेका हैड रेंटेड तो वहां पे डिसिप्लिन थोड़ा कम हरामजादगी थोड़ी ज्यादा समझ गया ऐसे वाला सिस्टम था और मेरे को ना जो उधर लीडर्स होते थे ना एक तो इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जहां पे मैं घर वालों से दूर गया था क्योंकि अभी तक मैं यू स्टिल स्टडीड बाहर तो यू हैड दैट एक्सपीरियंस आई हैव नेवर हैड दैट एक्सपीरियंस सो इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर मी इवन इफ इट वाज फॉर अ वीक कि घर वालों से दूर रहना तो उस टाइम ना बड़ी तलब होती थी कि भाई दूर रहना तो एक वो सेटिस्फाई हुई थी दूसरा मैं क्या कह रहा था कि जो लीडर्स की आप बात कर रहे थे वो ना एक जो हिमाचली लोग होते हैं ना उनका एक डायलेक्ट होता है आई डोंट मतलब इट्स इधर इधर बहुत अच्छे लगते हैं हिमाचली लोग या मतलब पहाड़ी लोगों का जो वो एक प्यारा सा हिंदी बोलने का तरीका होता है ना सीन तो काफी ऑफ हो गया ना अब से लाइक विद द सर्ज ऑफ द वेव कोई ब्रांड या कोई रीच आउट नहीं कर रहा ना कि आओ आके शूट वूट करो अभी इस टाइम पे तो नहीं नहीं अभी तो काफी इफेक्ट हुआ है लाइक आई रिमेम्बर लास्ट लॉकडाउन भी तीन महीने था दो महीने का वो टाइम था जब मैंने सिर्फ एडिटिंग प्रोजेक्ट्स करे थे एंड जो पुराने शूट्स हुए थे वो एंड अब मेरे को फुल डेजा वो वही वाला हो रहा है कि शूट्स तो हो ही नहीं सकते इस टाइम पे नो वन कैन शूट अभी तो आई डोंट सी शूट्स हैपनिंग फॉर एटलीस्ट अ मंथ बट कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स जो पहले शूट हो रहे थे वो एडिट हो रहे हैं आगे वाले प्रोजेक्ट्स के कॉन्सेप्चुलाइजेशन प्री प्रोडक्शन वगैरह चल रहा है बट मतलब आई डोंट नो कब स्टार्ट होगा क्या होगा तो सीन तो ऑफ है सीन तो काफी ऑफ है बट क्या ही करें हाँ मैं ये सोच रहा था कि तेरा इंडस्ट्री तो कितना ज्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि जब लॉकडाउन वन लगा हम लोगों ने पॉडकास्ट शूट करा उसके थोड़े रिलैक्सेशन जब उसका हुआ उस दौरान पे है ना राइट है ना लॉकडाउन वन के थोड़े रिलैक्सेशन के अराउंड विंटर इश से थोड़ा पहले हमने करा शूट और मुझे याद है उससे लेके अब तक तेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखना मतलब मैं अद्भुत मनाता था कि ये क्या हो रहा है ऑलमोस्ट हर रोज एक नया शहर एक नया लोकेशन टैग और मुझे लगता था ब्रो ये क्या जिंदगी जी रहा है कितना क्रेजी है और मतलब आई एम श्योर यू मिस दैट ब्रो लाइक इट वाज क्रेजी जस्ट लुकिंग एट योर स्टोरीज सो मेनी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया यू हैव ट्रैवल्ड टू फॉर शूटिंग यू नो या 100% बट आई रिमेम्बर एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मेरा जो लगेज था वो पैक्ड ही रहता था मतलब पता था ये कपड़े हैं वो लेके जाने हैं तो वो जयपुर कितने चक्कर लग गए थे शूट्स के लिए उधर बहुत शूट्स हो रहे थे बीच में तो बट वही होता है जब शूट कर रहे होते हैं तब लगता है यार थोड़ा टाइम अब घर बैठना है अपना स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में एक शेड्यूल बनाना है क्योंकि विद दैट शेड्यूल वेयर यू आर ट्रैवलिंग एवरी मंथ टू डिफरेंट सिटीज फॉर शूट्स वो नहीं बन पाता एक तुम्हारा ना रूटीन नहीं बन पाता तो आई यूज टू थिंक दैट और जब घर पे रहने का टाइम आता है तब लगता है कि यार बाहर जाना है वो वाली क्रेविंग तो मॉडरेशन में ना साला कुछ हो ही नहीं पा रहा अब देखो घर पे ही बैठे हुए हैं तो यू कांट रियली कंप्लेन बस यार करण कौन से रूरल एरियाज में गया था यू वेंट समवेयर इन द साउथ बट देन आल्सो या दैट वाज सुपर इंटरेस्टिंग पर हां बता ना उसके बारे में थोड़ा उसके आई वेंट टू कराईकुडी इट्स अ प्लेस इन तमिलनाडु अ कपल ऑफ आवर्स अवे फ्रॉम कौन सा एयरपोर्ट है उधर का मदुरै I've just been there once, so I don't know. Right. तो उधर फैशन शूट ही था
वो यार मेरे लिए इंटरेस्टिंग, उधर का कुजीन बहुत, उधर का मैंने पहली बार जैसे ना लोग शूट्स में ना काफी ऐसे बातें करते हैं कि भाई ये वाली कुजीन बहुत अच्छी है, मेरे को ना बड़ी फैंसी लगती थी ये सब बातें की, क्योंकि आई हैवंट रियली ट्राई डिफरेंट कुजीन्स। जब घर वालों के साथ भी सिंगापुर या फॉरेन ट्रिप्स लगते भी है तो यू एंड अप नॉट एक्सपेरिमेंटिंग टू मच, क्योंकि थोड़ा सेफ रहते हैं कि वहां पे भी इंडियन रेस्टोरेंट में खा लिया, नूडल भी खाऊंगा हाका वाले। पहली बार कहीं की जगह का खाना एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा था कि उधर का जाके उधर का ही ट्राई करता हूँ। लोकल्स के साथ खाया था या फिर लाइक रेस्टोरेंट लोकल्स के साथ? देयर अ प्लेस इन कराईकुडी कॉल्ड द बांग्ला वेयर वी वर स्टेइंग द होल क्रू, एंड उधर की कुजीन को कहते हैं चेटीनाड कुजीन। चेटीनाड चिकन एक पॉपुलर डिश है। एक्जेक्टली, एंड आई थिंक चेटीनाड इज नाउ टर्म्ड एज लाइक अ होल लाइफस्टाइल इन इट्स ओन, मतलब आई थिंक यू ऑलमोस्ट मेंशन इट एज अ स्टाइल, इवन दो आई थिंक इट्स लाइक लाइफस्टाइल नॉट फूड, मतलब रहने के तरीका। इवन फूड, इवन फूड, या आई थिंक बिकॉज आई रेड अ फ्यू उधर बुक्स थी, उधर चेटीनाड वॉज ऑलमोस्ट यूज लाइक अ टर्म विच वॉज लाइक अ लाइफस्टाइल, इवन दो इट्स अ डिस्ट्रिक्ट और लाइक अ रीजन, बट नाउ चेटीनाड फूड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लाइफस्टाइल। इवन इफ यू लुक फॉर चेटीनाड डेकोर आप उधर का देखोगे या यू नो, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, एंड उधर का खाना मेरे को बहुत स्वाद लगा था। चेटीनाड का लाइफस्टाइल था क्या एग्जैक्टली, लाइक क्या कुछ लाइफस्टाइल? आई थिंक उधर का जो जो उधर के घर होते हैं ना, तो उधर कौन सा ट्री का वुड होता है वो जो बहुत महंगा होता है? बहुत सारे हैं यार, रोज वुड, टीक वुड, मैं तो यार एक स्पेसिफिक है तो लाइक फॉर एग्जांपल उधर पुश्तों से जो जिस हम बंगले में शूट कर रहे थे वो बहुत सालों से उनका घर था, और उसके जो गेट उनका आई रिमेम्बर उन्होंने बोला था कुछ हफ्तों पहले बिका था कुछ करोड़ों का। दैट्स गेट, जस्ट द गेट, मतलब गेट को हिंज से निकाल के बेका उन्होंने। अब आई डोंट नो ओनरशिप ट्रांसफर हुई है कैसे जो भी, बट इट वॉज ऑफ दैट बर्मा ट्री, बर्मा टीक थी मेरे ख्याल से, बर्मा टीक बोलते हैं स्पेसिफिक टाइप, तो वो बहुत करोड़ों का था। एंड यू सी दोस पीपल, वो नॉर्मल साउथ इंडियन पीपल लगेंगे जैसे, मतलब हमारे जो स्टीरियोटाइप है, एंड यू सी कि कैसे पुश्तों से उनकी जमीनें, कितना पैसा है उनके पास, तो यार इट्स इंटरेस्टिंग। मतलब मेरे को तो बेस्ट पार्ट अपने काम का ये लगता है यार कि इसी बहाने लोगों से मिलने को मिलता है अलग अलग, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन क्रेविंग अभी यार, कि भाई अभी एक्सपीरियंसेस लाइफ के बढ़ाने हैं, तो आई आई एम मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू आउटडोर outstation projects more than I look forward to, you know, Delhi wale studio wale shoots ho gaye, right? They are one of those. Maine abhi recently ek photo shoot karaya apne dost ke sath, wo school se photography karta hai, maine Instagram pe bhi kuch photos dali taki hamare thumbnails mein istemal ho paaye. To na main usse uski process ki baat kar raha tha, usne kaha kuch bata, maine kaha kya bataun, ab main podcaster thehra, main to baatein kar hi sakta hu, mujhe kya dikkat hai. To keh raha hai acha ye is pe teri kya raaye, us pe teri kya raaye, pooch raha tha aise se. उसमें मैं बता रहा था मैं एनिमेटेड तरीके से बात करता हूँ, ज्यादातर फोटो सस्ते हुए आई हैं ऐसे से हाथों को हिलाते हुए बातें करते हुए, राइट राइट राइट। एंड आई वाज वंडरिंग कि ये जो प्रोसेस है, यू नो लाइक एक पूरा रिलेशन होता है विद से यू आर द कैमरामैन, द वीडियोग्राफर, राइट, द आर्ट, द मैन बिहाइंड द लेंस, फिर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है क्या सब्जेक्ट के साथ 100%। तो तेरा प्रोसेस में भी क्या रहेगा ये? तो like what you've touched upon is so fucking important. I see a lot of people asking me ki bhai videography tips de do, aisa slow motion kaise hota hai, camera mein lens kaun sa lagaye, ye sab na main bhi shuru mein bahut maine like comment karta tha youtubers ke niche, isme lens kaun sa hai, isme lens kaun sa hai, kyunki you tend to believe ki acha lens mil gaya na to meri wahi ho jayegi cheez, but after like few years of experience what I've realized is sabse important hai ki jisko tum shoot kar rahe ho, agar tum uske sath dost ban gaye na, या उसके साथ एक मतलब उसको तुमने भुला दिया कि कैमरा उसके आगे है, स्पेशली एंड व्हाटएवर वी टॉकिंग आई थिंक टुडे इज मोर फॉर मोंटाज बेस्ड फिल्म मेकिंग और लाइक नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग एंड नॉट फीचर फिल्म्स, बिकॉज देयर इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। आई थिंक देयर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज वेयर यू आर द डीओपी, यू आर द डायरेक्टर, व्हिच इज मोस्ट ऑफ द गिग्स दैट आई टेक अप, वेयर आई एम एडिटिंग, लाइक आई एम कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, डायरेक्टिंग, filming, so it's almost like you have to be so comfortable with the subject, you have to make them feel like ki kya, kyunki na camera ke aage insaan badal jata hai, jaise abhi bhi mere aage camera hai na, I am to chalo used to camera, but wo ek uske dimag mein ye ho jata hai ki ye camera hai, wo mere ko dekh raha hai, agar tumne uske dimag se ye bhula diya na camera, and you just make them, jaise usne pucha ki
आपसे पूछा होगा कि what are you feeling या मतलब just he would have been trying to make you be in your natural element जब दोस्तों के साथ बकचोदी कर रहे हो conversational और अगर उसने उसके बीच में कैप्चर कर लिया आपको तो that's he is उसने गोल्ड स्ट्राइक कर लिया मतलब उधर ही क्योंकि वरना तो वो टिपिकल फोटोशूट लगेगा मतलब वो तो फिर पासपोर्ट साइज फोटोज आप प्रेम स्टूडियो चले करेक्ट करेक्ट इनफैक्ट मैं अगर तेरे को और एग्जांपल बताऊं यू नो बिकॉज़ यू वर्क विद मॉडल्स मेबी यू कैन एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट बेटर तो आई एम नॉट अ मॉडल बाय एनी स्टेक्स मेरे को ना अपने फेस के अंदर ही ऑलरेडी मेरे को हंसना आता है सैड होना आता है कुछ है बट फॉर मी इट्स नॉट पॉसिबल टू लुक एट अ कैमरा एंड मेक एक्सप्रेशंस ऑन राइट ठीक है राइट राइट तो उसने करा क्या उस चीज ने कि इनिशियली मैंने एक दो बार उसके कहने के विपरीत वो कह रहा था कि मत कर तू नेचुरल रहे मैं कोशिश कर रहा था पहले ऐसा वाला रिएक्शन दूं थोड़ा गुस्सा सा रखूं राइट बट वो बड़ा कंटॉर्टेड और नकली लग रहा था पर इस प्रोसेस के थ्रू जहां उसने मेरे को कॉन्वर्सेशनल बनाया और मैं उससे बात कर रहा था जब हमने इंडोर शूट्स करे डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन किए जो मेरी टीम ने बोल रखे थे कि हमें एक एंग्री फेस चाहिए हमें एक स्माइलिंग फेस चाहिए तब वो जब आए ना आई वॉज सरप्राइज कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेरे फेस का या तो स्ट्रक्चर खुल गया था और मतलब उन इमोशंस को इमोट करना बड़ा आसान हो गया था मेरे फेस के थ्रू समझ रहा है राइट फ्रॉम व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड राइट आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग ये कैसे हुआ इंटरेस्टिंग जो आप कह रहे थे कि आप जब कैमरा में डायरेक्टली देख रहे थे तो इट ऑलमोस्ट लुक लाइक यू वर फेकिंग इट हाउ डिड यू से यू नहीं नॉट एग्जैक्टली इन द कैमरा मतलब पहले क्या हुआ कि हमने स्टार्ट करा तो उसने कहा ठीक है तो नॉर्मली बातें बताओ मुझे क्या क्या वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था जनरली क्योंकि हम स्कूल फ्रेंड्स भी है ना तो मैं बता रहा था फिर मैंने कहा यार एक ना वो एंग्री वाला शॉट लेना था तो मैं एकदम पे एंगर करने की कोशिश करता हूँ जैसे बीच में ही चीज़ों को छोड़ के तो वो जो उसकी मैंने फोटो देखी मैं वो उसमें एक्चुअली मैं गुस्से में नहीं लग रहा था अजीब सा ही लग रहा था मैं वर्सेज उसने कहा तू नेचुरली बस बिहेव कर और मैं लेता रहूंगा शॉट्स और फिर फाइनली जब वो मौका आया एग्जैक्टली एंड आई थिंक दैट अप्लाइज इवन मोर टू वीडियो बिकॉज इन फोटोज अगर आपको एक फ्रेम मिल भी गया चलो आपका काम हो गया नॉट सेइंग दैट्स अ इजी जॉब बट फॉर लाइक इट्स इजियर टू शूट नॉन एक्टर्स इन फोटोग्राफी एज कंपेयर टू फिल्मिंग राइट बिकॉज देयर इट्स like 10-15 seconds of constant raw emotion right so I think one thing which helps with models at least which you mentioned like music it's so underrated how so many videographers don't emphasize ki music tum kaun sa chala rahe ho mere hisab se vibe badal leta hai speaker pe tum music chala rahe hote ho yeah if it's like a montage based fashion film sort of a situation so if you tap into what the model is grooving to मैं तो बहुत मैं तो पूरा दीदी भैया मतलब मैं उसको उसको दोस्त बना लेता हूँ मॉडल को तो दैट्स व्हाई आई एंड आल्सो आई थिंक इन माय फील्ड सारे क्रू में सबसे छोटे लोग दो होते हैं मॉडल्स आर वेरी यंग मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मैं जनरली मतलब मैं थोड़ा पहले आ गया इस फील्ड में तो मैं बहुत यंग होता हूँ तो आई मतलब मेरा एक वो बेनिफिट मेरे को ये मिल जाता है कि मैं थोड़ी बातें उस हिसाब से कर लेता हूँ मोस्ट ऑफ देम जस्ट पास आउट ऑफ कॉलेज मी टू तो आई टॉक अबाउट दैट देन अगर उनका म्यूजिक टेस्ट पता लग गया ना एंड इफ आई गेट देम लूजन अप हो गए वो एंड विद मॉडल्स इज नॉट सो डिफिकल्ट बिकॉज दैट्स देयर जॉब बट एटलीस्ट इन द इंडियन सिनेरियो व्हाट आई सी लैकिंग इन द फैशन स्पेस इज दैट मॉडल्स आर रियली गुड फॉर फोटोग्राफी दे कैन पोज दे कैन गिव दोज एक्सप्रेशंस व्हेन इट कम्स टू वीडियोस बिकॉज अ लॉट ऑफ फैशन फिल्म्स आर मेड in between photoshoots right interesting so, yeah jab budget zyada nahi hota to photos or videos ek hi din ho rahi hoti hai so it's almost like videographers get like 5 minutes for one premise or like a space setting right so it's very important ki jab tum shoot nahi right jab tum shoot pe aaye ho tab tum kaise greet kar rahe ho model ko tumne agar wahi pe familiarity bana li तो जब तुम्हें वो 5 मिनट मिले तो उसमें तुम 2 मिनट वेस्ट नहीं करोगे हाय हाउ आर यू अच्छा अब हम ये करेंगे वो You've almost built a rapport with them, so they become more natural. So music, agar sahi playlist baith gayi, to vibe bahut achhi hoti hai. And I also like listening to music while I'm shooting a montage-based video, kyunki main na generally bada rhythm-based insaan hoon. Mereko main kyunki my first introduction to like creative arts was through music. I started playing the keyboard. Hindustani classical seekhna shuru kiya tha maine shuru mein, but fir wo chhod diya tha. Then I continued YouTube tutorials wagera. तो मैंने जब एडिटिंग या फिल्मिंग में भी आया था तो आई सॉ अ लॉट ऑफ दैट ट्रांसलेटिंग इनटू माय स्टाइल ऑफ एडिटिंग एंड फिल्मिंग क्योंकि वो बड़ा रिदम बेस्ड था तो ये जो फिल्मिंग और एडिटिंग वाली बात है
Are you playing something for me? नहीं वो कुछ नोटिफिकेशन आई थी. तो मैंने when you were saying that I was like my god I can't believe ये actually हुआ है. हमारा मैंने फिल्म एंड वीडियो में एक ही क्लास ली थी कॉलेज के अंदर और एक फिल्म का बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर था. ही हैड डायरेक्टेड अ बंच ऑफ शॉर्ट फिल्म्स. तो उसके अंदर हमें क्या करना था, हमें फोटो मॉन्टाज बनाना था. ठीक है. एंड जैसे 15 फोटो ले ली एक जगह की एंड वी हैड टू जस्ट पुट इट टुगेदर. ज्यादातर लोगों ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ स्टैंडर्ड 1 photo 2 photo 3 photo मतलब फोटो आई सामने कट, फोटो आई सामने कट. ठीक है. म्यूजिक था ही नहीं, दिस वाज सपोज्ड टू बी यू नो म्यूट राइट. बट हमारी क्लास में एक लड़की थी एशियन जो पियानो सीखती थी राइट. तो उसका मॉन्टाज 3 photos एकदम पे लंबा कट, 1-2 photos एकदम पे बहुत छोटे छोटे कट्स राइट. तो इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक कि अगर तुम एक ऑडियो यू नो ट्रैक ऐसे बनाओगे राइट अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिविएशन देखोगे ना, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है राइट. बट वो ए रिदमिक है, बट यू नो ऑन अ पियानो स्केल इट मेक परफेक्ट सेंस. तो मेरे प्रोफेसर ने ये बात पूछी ऐसा क्यों है, तो उसने बताया. फिर सबके लिए एक वाव मोमेंट हो गया कि क्रेजी कि दिस इज हाउ म्यूजिशियन प्रोबब्ली सीज इवन द वे दे वांट टू प्रेजेंट हाउ अ फोटो मोन्टाज लुक्स. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एंड मतलब आई तो सी सो मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन सॉन्ग राइटिंग एंड द वे आई स्ट्रक्चर माय एडिट्स. लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक इवन इन एडिट्स व्हाट यू वर सेइंग कि जैसे ये 3 quick cuts आए फिर एक लॉन्ग पॉज आया. इट्स ऑलमोस्ट लाइक तुम बिल्डअप कर रहे हो टेंशन रिलीव छोड़ रहे हो. आपने विप्लैश देखी है? Oh, love that movie, bro. I think Whiplash is one of the finest examples of good feature film वाला film editing. क्योंकि उसमें इतनी बार तुम देखोगे कि जो sequences है ऐसे tension build होती है उसका और फिर lose होती है, tension build होती है lose होती है. And उसमें editing has created such a, I think उसका जो editor है Tom Cross है नाम उसका या क्या नाम है, वो Academy Award जीता था Whiplash के लिए. And yeah, because that's and एक चीज जो मेरे को editing के बारे में लगती है ना, अच्छी एडिटिंग वो मेरे को लगती है पर्सनली इफेक्ट्स वगैरह को छोड़ के जो तुम्हें नोटिस ही ना हो. मतलब तुम बह जाओ वाला था इसके अंदर बिकॉज़ देयर वाज सो मच गोइंग ऑन इन द फिल्म आई डिडंट इवन नोटिस द एडिटिंग. आई वाज सो हुक्ड ऑलरेडी. एग्जैक्टली. तभी आपको जो भी फिल्म अच्छी लगी होगी ना और आपने एडिटिंग नोटिस भी नहीं की होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसी में सबसे अच्छी एडिटिंग होगी. क्योंकि अगर आपको नोटिस हो गई तो एक तरह से आपका तो एक्सपीरियंस चुट गया ना. आपने देख लिया अच्छा भाई ये तो सेट पे थे और पीछे 10 बंदे कैमरा लेके खड़े होंगे और तभी एक्सप्लेन कर रहा है, ये तो झूठ है, ये मूवी तो झूठ है, वो तो सभी मूवी झूठ है. बट इट्स जस्ट दैट कि कितना तुम इमर्स हो जाते हो मूवी में एंड दैट एडिटर के पास बहुत उसका होता है एंड उसमें रिदम हेल्प करता है. आई थिंक दिस वेयर आई वाज ट्राइंग टू गेट टू कि अगर तुम्हारा रिदम है ना एडिट पे, अगर टेंशन वाला सीन है तो उस हिसाब से एडिट कट्स हो रहे हैं और अगर नॉर्मल सीन है शांत है तो तुम एक लंबा टेक चलने दे रहे हो, चाहे तुम्हारे पास डायरेक्टर ने तुम्हें 3 और शॉट्स दिए हुए हैं, तुम्हारे पास 3 एंगल्स और है कट करने को. अब एक एमेच्योर एडिटर क्या करेगा, वो उसका मन होगा कि यार 4 एंगल्स है मेरा तो सारे यूज करूंगा मैं, तो दिखाऊंगा मैं कट करता हूँ. बट कोई ठहराव है ये गलतियां मैंने बहुत करी है तो फिर आई थिंक या हाँ मतलब मैं यू नो हम लोगों ने इनिशियली डिसाइड करा था कि हम ऐसे पैरेलल्स डिस्कस कर सकते हैं यू नो राइटिंग और एडिटिंग के वीडियोस की कि क्या सिमिलैरिटीज होती है. बड़ी हैरानी की बात है हम ऑर्गेनिकली उस एरिया में अपने आप आए हैं. तो ये जो चीज है ना मतलब मैंने Now that I've hired some people, I've even seen ki paid writers kaise kaam karte hain. Matlab jitni fees hoti hai na, to unko fir justify karna padta hai. To wo kai baar aisa hota hai, zarurat se zyada complexity add karte hain justify karne ke liye ki dekho itne paise bhi to liye hain. But I find that just like jitna simple to easy to watch hota hai, uska matlab utna zyada painstaking process raha hai editing ka, right? Ye bilkul same analogy writing mein use hoti hai. जो इंसान बहुत मुश्किल मुश्किल बातें लिखता है और सब लोग उसकी इस बात पे वाह वाह करते हैं कि आपने क्या लिख दिया है, बट समझ किसी को भी कुछ नहीं आता, सब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं वर्सेस राइट एक सिंपल सा पोस्टर जहां पे लिखा हुआ है IAS ट्यूशन अवेलेबल राइट. ठीक है, तुम उसकी राइटिंग को अप्रिशिएट नहीं करोगे बट उसका जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया राइट बिकॉज इट्स सो इट्स टू द पॉइंट राइट. तो मैं मतलब आई बिलोंग टू द सेकंड स्कूल में कोशिश करता हूँ कि इतना हम कितना सिंपल कर सकते हैं उसको कि दूसरे इंसान को पढ़ के बोले ये तो राइटिंग नहीं है तो कोई भी लिख सकता है. एंड दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट. हाँ कोई भी लिख सकता है ना right, ऐसा लगता right. नहीं है. ऑब्वियसली देयर आर रूल्स, देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल. फॉर एग्जांपल जब
बहुत टेंशन बिल्ड हो रही होती है, जैसे कुछ जंगल में भागम दौड़ी वाला सीन हो रहा है, तुम्हारे पीछे शेर भागा हुआ है, देन यू विल कट फ्रॉम अ नॉर्मल ट्रैकिंग शॉट टू एन ऑब्स्क्योर एंगल बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक द व्यूअर्स फील अनकंफर्टेबल. तो उन्हें लगना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है. एंड एडिटिंग में आई थिंक देयर इज दिस रूल कि लाइक गुड एडिटिंग में ना क्या होता है, जैसे एक सीन चल रहा है, यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट है, मतलब जहाँ पे एडिटर चाहता है कि आई डोंट नो ये ऑडियो पॉडकास्ट है वीडियो पॉडकास्ट है, वीडियो वीडियो है हाँ, बट फॉर एग्जांपल तुम्हारे राइट साइड पे फोकस है सब्जेक्ट का, तुम एज एन एडिटर चाहते हो व्यूअर का फोकस आईज का यहाँ पे रहे, तो अगला जो शॉट होगा ना उसका उसका जो बंदा होना चाहिए या जहाँ पे मेन एक्शन हो रहा चाहिए वो भी इसी साइड के आसपास होना चाहिए. क्योंकि अगर तुम कट कर रहे हो एक राइट साइड वाले सेंटर्ड फ्रेम से लेफ्ट साइड, तो वो बड़ा अनईजी लगता है, राइट, तो इट्स हार्डर टू फॉलो, बट यू विल ब्रेक दिस रूल व्हेन यू आर इंटेंशनली ट्राइंग टू डू दिस, व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कैओस, यू नो. तो जो हम बोल रहे हैं मे बी वो हर जगह अप्लाई नहीं करता. एग्जैक्टली इसी पे आता हूं मैं, जैसे कि कई बार जब तुम्हें कम्युनिकेट करना है कि किसी कैरेक्टर के मन में या इनफैक्ट जो तुम लिख रहे हो उसके अंदर एंजाइटी या टेंशन है, तो तुम काफी ब्रेथलेस सेंटेंसेस लिखोगे, ठीक है, जहां पे पंक्चुएशंस नहीं है, फुल स्टॉप्स नहीं है. इनफैक्ट to showcase the breathlessness of कैसा लगता है hallucinate करने के बाद अपने ख्याल लिखना, एक author है जीत ठाइल, उसकी उसकी novel का उसकी novel Narcopolis, उसका पहला उसके पहले 7 pages बिना punctuation के हैं. Wow. ठीक है, interesting. तो मतलब वो एक writing device इस्तेमाल करा गया दिखाने के लिए कि कितनी tension है, wow. कितना कुछ चल रहा है, right? So many competing priorities at the same time. Interesting. Yeah, I've heard you talk about him a lot in your videos. क्योंकि मतलब from because he's a poet also, तो right, तो वो उस तरह का language का जो barrier शायद writing impose करती है ना कि बड़े strict rules होने चाहिए, वो उसे तोड़ सकता है. And that I'm just saying कि पर कई बार क्या होता है लोग needlessly ऐसा करते हैं, ये तो है ही कि right what you're saying, right, if you have to show tension you have to break the rule, क्योंकि उसके अंदर अगर एकदम बिल्कुल परफेक्ट फ्रेम वगैरह आ रहा होगा तो आई एम नॉट गोना फील इंटिमिडेटेड बाय द लाइन कमिंग. एग्जैक्टली एग्जैक्टली कोई लाइन मेरी तरफ आ रहा है तो उसको ज़ूम इन राइट दिखाऊंगा तो शायद ज्यादा फटनी चाहिए मेरी, राइट. एंड इवन एज अ डीओपी आई विल ट्राई टू गो हैंडहेल्ड उस टाइम कि मैं कैमरा हिला रहा हूंगा क्योंकि आई वांट टू कम्युनिकेट दैट. ये हैंडल फुटेज वाला सीन क्या है बेसिकली, लाइक जितने भी एक्शन, मतलब आई हैव सीन दिस पर्टिकुलरली इन एक्शन मूवीज अ लॉट, राइट, ये फर्स्ट पर्सन ऑफ जो व्यू जो पीओवी होता है क्योंकि जो एटलीस्ट मैं जिस टाइप की फिल्म मेकिंग पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी करता हूँ, कुछ रैंडम किसी को शूट करना है, मेरे को किसी जगह पे ट्रैवल कर रहा हूँ उसको शूट करना है, इफ आई एम कैरिंग अ गिम्बल और अ स्टेबलाइजर और अ ट्राइपॉड, इट जस्ट गेट्स इंटिमिडेटिंग फॉर द पर्सन. फॉर एग्जांपल अगर आपका जो दोस्त आपको शूट कर रहा होता, 4-5 लाइटें, बहुत हैवी सेटअप, एज अ नॉन प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग यूड फील मोर इंटिमिडेटेड, बट इफ आई एम शूटिंग यू आई ट्राई टू गो सुपर मिनिमल, हाथ में रख लिया कैमरा, जब आप दिख गया कि ये नेचुरल स्पेस में आया है चुपके से कैमरा चलाया, दूर से ही जूम लेंस लगा के शूट कर दिया. तो मेरे पर्सनल काम में मेरे को ऐसे हेल्प करता है हैंडल्ड कि इट्स जस्ट इजियर टू एक्सेस. अगर तुम मतलब ऑफ कोर्स तुम गिम्बल लगाओगे ट्राइपॉड लगाओगे तुम्हारा एस्थेटिकली और बेटर शॉट आएगा, स्टेबल आ जाएगा, बट इफ यू आर मिसिंग द राइट मोमेंट देन व्हाट्स द पॉइंट. हाँ, एक जैसे हम लोगों ने अपना जब पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करा था, आई थिंक वो जो एक वाइब है दैट्स minimalist but it does the job, gets the job done, matlab fir bhi ek casualness ban jati kyunki mere ko yaad hai usko compare karo ek proper talk show se jahan pe 12 camera ka setup hai, jaise youtube pe kai bar dikhate hain log suit pehen ke baithe hote hain acche plus chairs ke andar, right, it's almost like yahan galtiyan nahi kar sakte 100% hai na, and that's where the job of director also comes. jab itna budget hai tumhe as production point itne cameras lagane hain, it's a director's job to make them feel comfortable even with that sort of a setup. So it's not like ki tum bada setup nahi kar sakte, obviously jab tum bade scale pe karoge karna padega, but with that setup jab tumhe comfortable banana hai bande ko, that's your real job I think as a director at least. Yeah, so you right. never started filmmaking kabhi padhi nahi maine, to tu matlab sorry tune और मैंने आई वॉज रिसेंटली वॉचिंग ये लोगन पॉल का एडिटर नहीं था एक बंदा या है वो वीडियोस बना रहा है ना वीडियोस बना रहा है आई थिंक दैट्स सुपर इंटरेस्टिंग आई सॉ अ कपल ऑफ वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है उसके हां तो गो अहेड सेंट
मतलब आई सेंड द वीडियोस दैट ही वाज मेकिंग टू माय एडिटर और उसका भी ऐसे हो गया कि ये क्या है, तो बहुत क्रेजी है. पर उसने बोला कि मैं महंगे फिल्म स्कूल में गया ये सीखने के लिए कि एडिटिंग कैसी होती है, पर मैं भूल गया दैट वर्क्स फॉर ट्रेडिशनल मीडिया. यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी नहीं चलता 100%. और मतलब मैंने जो भी कुछ पढ़ा है कम्युनिकेशन के बारे में, उसका सिर्फ 2-3% अप्लाई करता है एक्चुअली जो मैं काम करता हूँ अपने ऊपर. तो मतलब इट्स जस्ट केस इन पॉइंट फॉर दैट. डू यू फील दैट एज वेल? 100%. आई थिंक फॉर लाइक FTII में जो एडिटिंग कोर्स है, 100% अगर किसी को ट्रेडिशनल फिल्म एडिटिंग में जाना है तो वो जो तुम्हें माहौल क्रिएट करेगा, तुम पूरे दिन सिनेमा को देखोगे और वैसे लोगों के साथ रहोगे, इतने एजुकेटेड प्रोफेसर, बिकॉज आई थिंक एडिटिंग इवन दो इट्स वेरी इंस्टिंक्टिव, बट उसमें कहीं ना कहीं एक साइंस है, एक मैथ्स है, बीट्स फॉलो होती है. आप अगर लोगन पॉल वाले एडिटर को भी देखोगे, उसने इवन इन अ व्लॉग वो एक्सप्लेन कर रहा था कैसे एक जो पंच है जो लोगन पॉल मारता है, वो जैसे पंच आना है, उससे पहले वो 5 कट्स लगाए उसने, एक शॉट 1.5 सेकंड का, अगला शॉट 1 सेकंड का, फिर 1.5 सेकंड, 1 सेकंड, और जब पंच आना है तो वो 4 सेकंड का शॉट है. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्विक 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 क्विक, और फिर वो पंच तभी काम करा. अब अगर वो कोई अच्छा एडिटर ना होता तो वो नॉर्मल कट ही ना लगाता अगर इतने क्विक क्विक, तो वो पंच ना काम करता. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर इज अ मैथ टू एडिटिंग ऑल्सो, राइट? तो ऑफकोर्स लर्निंग एडिटिंग इज ग्रेट, बट विद द न्यू एज मीडिया, अभी मैं जिस तरह की फिल्म बना रहा हूँ, आई डोंट नो उसकी कैटेगरी भी क्या है. लाइक आई डोंट नो इवन व्हाट टू कॉल माय सेल्फ. मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ क्या, मैं सोशल मीडिया कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ या क्या हूँ? तो विद थिंग्स इवॉल्विंग सो फास्ट, यू हैव टू अडेप्ट एंड यू हैव टू मिक्स. लाइक जैसे मैंने बताया कि विप्लैश में एक टेंशन बिल्ड होने का है, तो दैट्स द बेसिक ऑफ एडिटिंग. वो तो तुम हर जगह अप्लाई करोगे, बट एक मैंने उधर से उठा लिया, केसी नाइस्टैट के व्लॉग्स देख के मैं कुछ सीखा, उधर से उठा लिया, तो सब कुछ मिश्रण होके आजकल बन रही है चीजें, राइट? तो एंड दैट क्रिएट्स आई थिंक अ स्टाइल ऑफ योर ओन. दैट्स ऑलमोस्ट लाइक यू क्रिएट योर ओन स्टाइल, एंड इट्स नॉट लाइक तुम्हारा ओन स्टाइल है. जब तुम 10 लोगों से इन्फ्लुएंस हो रही हो तो वो ऑटोमेटिकली एक नया स्टाइल बन रहा है. एंड आई थिंक दैट्स द न्यू एज मीडिया. इट्स नॉट वन थिंग, इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ अ बंच ऑफ रैंडम थिंग्स. सो यू कांट रियली टीच दैट इन अ फिल्म स्कूल. हैव यू वॉच्ड बर्डमैन? आई हैवंट, बट आई हर्ड अबाउट इट. तो the big thing about Birdman's editing is apparently it's made to look like ki sari picture ek hi shot par shoot kari hai, which is not true, but it does look like that a lot. Right. So I'm wondering just ki jahan pe there are these long uninterrupted shots, what is the effect on the viewer? Wo kya feeling aati hai? Like imagine like right. Yeah, watching something without cuts. Yeah. So I think one example for that is Netflix pe ek movie hai Teen Aur Aadha. Dar Guy karke ek director hai. जो जुगाड़ मोशन पिक्चर्स, रित्विक की सारी म्यूजिक वीडियोस वो डायरेक्ट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. वेरी टैलेंटेड. अच्छा, मेरे को लगता था उसका नाम डर गई है. मेरे को हां वो डर गई था, क्योंकि उसका असली नाम डारिया है, बट वो डर गई के नाम से जाती है. तो बिकॉज़ शी केम टू इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट 2 इयर्स अगो. या या राइट, कर रहा था. हां राइट. तो उसने एक डायरेक्ट, उसकी फर्स्ट आई थिंक फीचर फिल्म थी तीन और आधा. वो पूरी मूवी 3 लॉन्ग टेक्स पे बनी है. 3 टेक्स है उस मूवी में. तो her explanation to that was ki she wanted to convey the movie through the POV of the walls, ki almost like wo ek ghar hai jo 3 generations ke ko dikhaya hai usne, ki pehle ek generation mein ek type ke log le rahe the, dusre mein wo ek kotha tha wo ghar, teesre mein ye shayad ye aisa kuch. I haven't seen the full film, but I've heard analysis and her interviews about it. So how she explained it was that ki she wanted the walls to show their perspective. So वो पिक्चर है जिसमें जिम सार्बिक, जिम सार्ब और जोया वाली. हाँ, जिम सार्ब. I remember that film. It's the same film. Yep. Right. तो उसमें अगर तुम वॉल्स के पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हो और तुमने कट्स लगा दिए, तो वॉल्स आर ऑलमोस्ट लाइक CCTVs. तो वो कॉन्स्टेंट उस पर देखेगी. तो हर एक्सप्लेनेशन वॉज दैट. तो आई थिंक जो कंटिन्यूस लॉन्ग टेक्स होते हैं उसके काफी सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं. इन स्टाइलाइज्ड म्यूजिक वीडियोज इट्स बीइंग यूज्ड एज अ फॉर्मूला कि 1 टेक करेंगे और चीट शॉट्स करते हैं, जैसे मैंने कैमरा ले जाके छुपा दिया एक ब्लैक स्क्रीन में, फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया इधर और पीछे से कोई और आ गया. तो आई थिंक यूजिंग लॉन्ग टेक मतलब वो काफी तरह से यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक टाइप की फिल्म मेकिंग में यूज होगा. यार मूवी का सब्सक्रिप्शन अगर तेरे पास हो, आई एम श्योर तेरे पास तू देखता ही होगा. हाँ, वहां तो ऐसे स्टाइलिस्टिक नमूने आते रहते हैं कि देखने में मजे आते हैं. तो मैंने एक दिन स्टाइलिस्टिक नमूना ऐसे खोल लिया, उस पिक्चर में नीचे लिखा हुआ था इसको कितने सारे अवार्ड मिल चुके हैं, और वो एक लॉन्ग टेक पिक्चर ही है. उसके अंदर क्या है कि एक ही कैमरा है और ब्लैक एंड व्हाइट है, और 3 औरतें खड़ी हुई हैं एक दिशा में देखती हुई. तो 17 मिनट की है शायद, 11 मिनट की है. 2 मिनट तक तो तुम उन्हीं को देखते रहते हो, फिर
कैमरा धीरे धीरे हिलना शुरू होता है। अब अपेरेंटली या तो कैमरा उस पर होगा जो सर्कुलर ट्रैक होता है कुछ, या फिर वो सिर्फ बंदा ही अपने एक्सेस पे घूम रहा होगा, वो पूरा एक टेक ऐसे जाता है औरतों से, तुम धीरे धीरे एक फील्ड के अंदर आते हो, कहीं और आते हो, कहीं और आते हो, इवेंचुअली आके रिवील होता है कि वो और कई सारे और लोग किसी इंसान की बलि चढ़ा रहे होते हैं ना, जैसे उसको वो कर रहे होते हैं यू नो विलेज में या कहीं पुराने जमाने में हैंगिंग करते थे किसी, कुछ गलत काम कर दिया, फाइनली औरतों पे आके खत्म होता है, वो चली जाती है फेमस से बाहर, उसको अवार्ड मिले हुए थे, बिकॉज क्रेजी, बिकॉज 11-12 मिनट के बाद वो फाइनली फील होता है वो, हाँ वो फील होता है कि ये हुआ, ओके नहीं मैं कह रहा हूँ रिवील होता है वो, हाँ वो रिवील होता है कि मतलब राइट दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट, राइट 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 यू कैन ओनली सी द साइड ऑफ द स्क्रीन कि यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन अंदर आ रही है। नो आई थिंक राइटिंग में दिस थिंग इज कॉल्ड समथिंग वेयर यू आर रिवीलिंग ओनली इनफ एंड देन रिवीलिंग द फुल थिंग बाद में। कौन सी किसी बुक या किसी मैंने ऑडियो बुक में ऐसा एक दिस अ सर्टेन टर्म टू इट एंड आई थिंक स्क्रीन राइटिंग और एडिटिंग काफी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, एटलीस्ट इन फीचर फिल्म राइटिंग, कि तुम किस तरह से सीन लिख रहे हो। जो अच्छा स्क्रीन राइटर होगा जो बहुत बड़ी मूवियां लिखता होगा, आई थिंक वो 100% एडिटिंग दिमाग में रखते हुए लिखता है। इट्स नॉट लाइक कि वो बस प्लॉट पे ध्यान दे रहा है, ही इज थिंकिंग कि वो सिनेमैटिकली कैसे जा सकती है। तो आई एम श्योर जिसने ये मूवी लिखी होगी, क्या पता इट्स नॉट अ डायरेक्टर्स चॉइस, इट्स अ राइटर्स चॉइस। सो like have you ever given a shot on like writing something which is eventually screenwriting chote chote instances ke andar mere ek dost ko rock climbing ki movie banani thi apni rock climbing ki wall ki pichle lockdown ke andar usne kaise khadi kari hai to then maine uske liye wo thumbnail sketching kari thi matlab kya bolte hain storyboarding kari thi uske liye ki ye pehla scene aisa lagega usko use karke he was able to create it but I you know I learned college maine wo sikha tha kaise hota hai so it's sort of at least now ab to main karta nahi because I usually take like just make standard yeah views but I remember though when I was working at Mr. Rajat Kapoor's office briefly to us duran pe unki ek script thi office ke andar wo picture release hone wali uska naam RKRK hai banda hota hai wo uski do identities hoti hai jo bhi kuch hai can't you know I won't reveal much but maine dekha tha ki uska jo first scene hai involves like this guy going from one door to the other bahut sare identities एक होटल के कॉरिडोर के अंदर है और यहाँ से वहां जा रही है ऐसा सा हो रहा है तो मैं कहा अगर तुम राइटिंग करोगे तो तुम ये क्यों लिखोगे, तुम तो सीधा लिखोगे ना कि पहला डायलॉग क्या है या पहला डायलॉग क्या है बेड पे उठा बट जस्ट बीइंग एबल टू क्रिएट दैट तो राइट दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि या नॉट जस्ट अबाउट कि तुम डिस्क्राइब करो अपने कैरेक्टर्स को या उन्होंने क्या राइट बोले या भी राइट तुम उसकी विजुअलाइजेशन भी सोच रहे हो राइट एंड आई थिंक मैंने किसी ना किसी फिल्म कंपेनियन टाइप चैनल में किसी स्क्रीन राइटर को बोलते हुए देखा था कि विद द अमाउंट ऑफ स्क्रिप्ट दैट कम फॉर एग्जाम्पल रजत कपूर के पास जितनी स्क्रिप्ट आती होगी टू मेक अ स्क्रिप्ट स्टैंड आउट यू हैव टू मेक द रीडर फील लाइक कि फील समथिंग डिफरेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक द प्लॉट सो आई थिंक क्रिएटिंग लाइक अ सिनेमैटिक यूनिवर्स वेयर यू ऑलमोस्ट फील लाइक द पर्सन फील्स कि वो वहीं पे ही है हेल्प्स द स्क्रिप्ट टू स्टैंड आउट। मैं एक चीज पूछ रहा था कि लाइक फॉर एग्जाम्पल एडिटिंग में एक तो हो गया स्ट्रक्चर बिल्ड करना, जैसे हमने कहा स्टार्टिंग मिडिल एंड, तुमने अच्छे स्ट्रक्चर बिठाया। उसके बाद पर्सनली व्हाट आई यूज एज अ टूल एंड व्हाट आई फाइंड वेरी इफेक्टिव इज साउंड डिजाइन। आई थिंक साउंड डिजाइन चार चांद लगा देता है तुम्हारी वीडियो को, क्योंकि फिर वो व्यूअर को वही फील कराता है जो एक्चुअल में उधर हुआ था। क्योंकि अगर इवन लाइक अ फोटो मॉन्टाज दैट यू एक्सप्लेन, अगर उस फोटो में जैसे आपने एक नदी की फोटो ली हुई थी और उस पर नदी का साउंड इफेक्ट भी दल जाता और चार चार चिड़ियों का चल जाता, पत्ते हिल रहे हैं उनका साउंड दल जाता और अगली फोटो में जो भी वो फोटो है उसका दलता, आई थिंक इट वुड हैव बीन इट वुड बिकम वे बेटर एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल फोटो बिकॉज वो फिर फाइव सेंस तुम्हारी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। तो आई थिंक साउंड डिजाइन मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहाँ पे मैंने टाइमलाइन खोली हुई है तो यहाँ पे मैं बहुत अभी बना दूंगा क्या कहते हैं ऑडियो लेयर्स, लेयर एक पे लेयर पे लेयर पे लेयर अलग अलग साउंड्स एक्सप्लोर करना। मैं कभी कभी खुद की भी साउंड्स बना रिकॉर्ड करता रहता हूँ और वो यूज कर लेता हूँ क्योंकि स्टॉक साउंड साउंड वेरी सिमिलर। सो आई पर्सनली यूज दैट एज अ टूल ऊपर से थोड़ा ना गार्निश करने को। तो राइटिंग में आर देयर सर्टेन थिंग्स other than the structure jo upar se aise chhidakte hai ya is that vocabulary in your case or like what is that vocabulary to matlab vocabulary ek tool ho gaya theek hai ki main jaise kuch examples agar main lu ek cheez tum kar sakte ho garnish karne ke liye tum repetition ka istemal kar sakte ho to jaise ki example deta hu mane ki ab main current 6 pages ke andar ek sentence ko na har baar likhta hu
तो फर्स्ट टाइम मैं लिखता हूँ वो सेंटेंस अपने आप स्टैंड अलोन करता है, सेकंड टाइम लिखता हूँ बंदा बोलता है ये क्या, थर्ड टाइम तक पैटर्न रजिस्टर हो जाता है, तो तू भी जानता है कि तीसरी चीज को करने के लिए तीन बार करना होता है, राइट राइट, रूल ऑफ थ्री। जब तक मैं चौथी बार करूंगा, अब सिस्टम क्या है कि ये लाइन सेम है, पैराग्राफ के अंदर 100 तरह की चीजें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मतलब कहानी यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, या ऐसे इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बट जब वो चौथी बार आएगा ना, तो उसकी रेपिटेशन की वजह से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब मैं उसे एज ऑलमोस्ट लाइक राइम देखना शुरू कर दूंगा, ये चीज फाइट क्लब में वो यूज करता है, कोरस लाइंस बोलता है उसको चक पॉर्निक की, जब भी स्टोरी बाहर जा रही होती है वो कॉन्स्टेंटली उसे वापस लेके आता है, आई एम जैक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आई एम जैक्स लेफ्ट ईयर, ठीक है, वो पूरा एक पैसेज होता है ना फाइट क्लब के अंदर, राइट राइट। मैंने स्कूल के टाइम देखी थी, तो आई डोंट रिमेंबर स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, बट या वो एक टाइम ऐसा होता है मूवी के अंदर, वो एक किताब पढ़ लेता जहां एक उस किताब के अंदर ये दिखा रहा होता कि ऑर्गन्स अगर बात करते तो वो कैसे बात करते, तो वो चीज थ्रू आउट रन करते रहती है, नाउ दैट इज रेपिटेशन, राइट। इन अ वे आप जितनी बार उसे रिपीट करते हो उसकी मीनिंग इंटरनली आपके लिए पढ़ने में चेंज होती है, रेपिटेशन इज वन। द अदर वे टू सॉर्ट ऑफ गार्निश इट इज कि तुम क्या कर सकते हो, तुम जिस तरह से कैरेक्टर ने बोला था या तो तुम उन्हें पैराफ्रेज कर सकते हो ताकि वो पैराग्राफ का ही पार्ट बन जाए, सिर्फ उनके लिए कोटेशन मार्क लिख के कि राइट राइट की बात कर रहा हूँ। एक और तरीका क्या है गार्निश करने का, कि तुम कभी कभी जैसे तुम यू नो उसमें करते हो एडिटिंग के अंदर ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, राइट, तो तुम वो करके तुम स्पेशली अगर तुम किसी और का तुम किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हो, जैसे बिल गेट्स की बायोग्राफी पढ़ रहे हो, राइट, एकदम तुम्हें एड्रेस कर दिया, यू शुड ऑल्सो नो दैट दिस अप्लाइज टू यू समथिंग लाइक दैट, तो वो ये क्या हो गया, राइट, सो देयर आर न्यूमरस टूल्स लाइक दैट, राइट 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 राइट। वही आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड पैरेलल्स बिटवीन एडिटिंग एंड राइटिंग, मतलब एटलीस्ट जो मेरे को लगता है कि राइटिंग की एडिटिंग होती है और जो यू नो द वीडियो एडिटिंग जो होती है, the way I've seen most editors do it, and I'm sure you have the same process as well, ki you pehle tum ek sequence banate ho lamba sa ya jitna bhi raw footage hai usko ek sath dal dete ho 100% yeah. uske baad cut pasting shuru hoti hai, to aisa hi hai kyunki writing ke andar ye hota hai, first draft likha bahut sara hai jaisa bhi likha jaye ha ha ha, uske baad se zyada tar cheeze hatayi jo best lines hain unko fir ek second page pe dala और एक्सपैंड करने की कोशिश करी, क्योंकि यूजुअली वो 6-7 लाइनें ही बच के आती हैं कुल मिला के, तुमने 100 लाइनें लिखी है ना, दुर्भाग्यवश सिर्फ 7-8-10 लाइनें लिख के आएंगी, अब तुम उन पे एक्सपैंड करोगे, राइट, वो एक्सपैंडेड सेकंड ड्राफ्ट बनेगा, फिर उसमें काटोगे, तो ये ऐसे चलता रहता है। आई एम वंडरिंग यू नो व्हाट्स दैट प्रोसेस फॉर यू, इट्स सो स्ट्रेंज कि कितनी चीजें सिमिलर है राइटिंग और एडिटिंग में, बिकॉज इट्स एग्जैक्टली द सेम। मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं जिसमें पूरा डंप डालता हूं, अनफॉर्चुनेटली अब जो मेरे साथ एडिटर काम करता है, ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द सॉर्टिंग, कि जो पहला डंप है उसमें से हाइलाइट्स, मतलब सिलेक्टेड फुटेज, बेसिकली सॉर्टिंग जो भी प्रोसेस है मैं उसको दे देता हूँ, क्योंकि दिस सेव्स मोर टाइम फॉर मी एंड मतलब एफिशिएंट करने के लिए मेरे को पूरा प्रोसेस ही करना पड़ा। बट जो मैंने शुरू के 3-4 साल एडिटिंग करी है ना, आई वुड से कि अगर कोई भी एडिटिंग शुरू कर रहा है तो शुरू में ये चीज बल्कि ना करो, किसी और को सॉर्टिंग के लिए मत दो। मैं तो अभी भी काफी बार मन करता है मेरा सॉर्टिंग करने का, क्योंकि मेरे को ना एक पर्सनली, क्योंकि मोर देन फिल्मिंग ना मेरे को, मैं एडिटिंग से ज्यादा लगाव है, मेरी वीडियोस ज्यादा एडिटिंग पे बनती है, तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो जाता है पूरा एडिटिंग किसी को देना, तो एटलीस्ट मैं सॉर्टिंग तक का मैं डेलीगेट कर पाता हूँ दिल से, बाकी फिर मेरे दिल में हाथ रखना पड़ता है मेरे को। तो मेरे को ना सॉर्टिंग जो ये था ना, पहली सारी फुटेज डालना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जितना टाइम फुटेज के साथ स्पेंड करता हूँ ना, उतने मेरे को आइडियाज पकते हैं कि अच्छा इसको मैं अभी तक शूटिंग करते वक्त इस नजर से देख रहा था, मैं तो पहला शॉट ये लगा सकता हूँ और पूरी लीनियर टाइमलाइन की मागी चूट कर सकता हूँ और उसको टेढ़ा पूरा बना सकता हूँ। और अगर तुम्हारे पास बेस्ट पीस आ गए ना, तो फिर तुम्हारे वो वाला पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है, तो फिर तुम्हें लगता है अच्छा वही है, अब मेरे को ये बनाना है जो पहले सोचा हुआ था। समझ गया। आई एम मिसिंग आउट ऑन दैट अगर देखा जाए अभी तो, बट होपफुली अब जो मेरे साथ एडिटर है वही मेरे को आइडियाज दे दे कि सॉर्टिंग करते टाइम ये भी हो सकता है इसके साथ। तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड सच एडिटर्स जो इतना दिल से तुम्हारी सॉर्टिंग कर देंगे। बट या सो हाउ आई यूजली वर्क इज सॉर्टिंग करी पहले, और मैं उसकी भी 2-3 राउंड करता हूँ, क्योंकि मेरा वही है सीन कि मैं जितना टाइम हो सकता है रॉ फुटेज के साथ उतना लगाने का ट्राई करता हूँ, ताकि मेरे को
जो फर्स्ट थॉट आए किसी भी एडिटर के मन में उससे आगे मैं देख पाऊँ, क्योंकि फर्स्ट थॉट सबके मन में जो आ रहा है वो फिर सब कर रहे हैं, तो उसके आगे देखने के लिए मेरे को ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं अपनी सिलेक्टेड वाले जो सिलेक्ट्स बोलते हैं एडिटिंग में, जो सिलेक्ट्स है उसको ऊपर वाली लेयर पे कर लेता हूँ, उसको कॉपी करके नया सिक्वेंस बनाता हूँ, फिर तो इट्स यूजुअल, बट या आई थिंक दैट समथिंग विच वर्क्स फॉर मी। तो मैं ये जो चीज हम जब हम पहली बार फोन पे बात कर रहे थे, एक चीज जो आई थी मन में वो ये था कि जैसे एडिटिंग की टाइमलाइन बनती है, डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स डाल दी, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो ट्रैक्स डाल दिए, कुछ चीजों को स्प्लाइस करके छोटा करोगे, कई बार ऐसा होगा कि नंबर वन को नंबर फोर पे डालोगे, नंबर सेवन को नंबर थ्री पे डालोगे, राइट वो जो है ना वो ये मैं आई हैव सीन दिस विद पोएम्स, आई हैव सीन दिस विद पैराग्राफ्स दैट आई राइट, ठीक है, कि मेरे पास इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट लाइनें होंगी, मैं रियलाइज करूंगा अरे ये लास्ट वाली लाइन तो ऊपर जानी चाहिए, लाइन की जरूरत ही नहीं है, ये पूरी पोएम एक्चुअली लाइन नंबर फोर से शुरू हो रही है, पहले तीन लाइनें बकवास है, और जो लाइन नंबर सेवन है ना वो कोरस लाइन बन सकती है। तो इसमें मतलब ऑन द आउटसाइड लुक्स लाइक कि वाओ पोएम लिखी है, बट उसमें जो वो एक मैथ्स जा रहा होता है ना कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, उसमें बहुत मजे आते हैं, मतलब फॉर मी दैट इज एडिटिंग, राइट 100%। तो मेरा भी ना यही होता है, सॉर्टिंग इज वो बहुत टीडियस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक लेबर वर्क कि तुम सारी चीजें कर रहे हो। असली मजा ना तब आता है जब तुमने एक ढांचा बना लिया है, बिगनिंग मिडिल एंड एंड, तुम्हें पता है स्टोरी का रफली ऐसा है। उसके बाद ना मेरे को जैसे तुम ये मेरी टाइमलाइन देखोगे ना अभी, जैसे एक ये रैंडम खुली हुई है, मेरे को बहुत वो क्या बोलते हैं उन्हें, वो वाली पजल जिसको जोड़ के एक फोटो बनती है, इमेज बनती थी बचपन में, मोज़ेक, जिग्सॉ पजल, एडिटिंग फॉर मी ऑन लाइक अ टाइमलाइन इज लाइक दैट। Right. मैंने ढांचा बना लिया, अब किसको क्या जोड़ना है, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड द थिंग चेंजेस, अगर तुम एक क्लिप को यहाँ से एंड में लगा दोगे और उसको तुम पहले लगा दोगे, इट्स सो क्रेजी हाउ इट चेंजेस। मतलब क्या पता मैं ही ज्यादा ध्यान देता हूँ, बट सबकॉन्शियसली आई एम श्योर जो व्यूअर का दिमाग में भी वो अफेक्ट करता है। इट्स जस्ट दैट कि हम थोड़ा साइंटिफिकली सोच लेते हैं कि अच्छा कि जो मैं एंड में मेरा मैसेज कन्वे हो रहा है, जो मेरा नैरेटिव जहां जा रहा है, वहां पे तो ये चार क्लिप्स मायने ही नहीं करती, वो तो बस मैंने आधा घंटा लगा दिया था शूट करने में, तो मेरा मन कर रहा है कि भाई ये तो मैं एडिट पे रखूं ही, क्योंकि तुम्हें एक बायस आ जाता है अपनी फुटेज को लेके। बट तुम रियलाइज करते हो अच्छा ये शॉट्स अगर हट भी गए तो व्यूअर्स को क्या पता कि मैंने दो घंटे लगा के ये सीन भी शूट किया था, वो तो एक नॉर्मल फिल्म की तरह देख रहे हैं, और अगर वो ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन योर लॉन्ग एस बेंचो 10 मिनट की वीडियो, तो व्हाई नॉट डू दैट। तो ये पर्सपेक्टिव बहुत बाद में आया मेरी लाइफ में, बट आई एम ग्लैड आ गया। मैं तो आई एम जस्ट लाफिंग नॉन स्टॉप स्माइलिंग बिकॉज मेरे को पता नहीं था इतने पैरेलल्स निकल जाएंगे। ये जो चीज है ना कि वो टेडियसली जो मैंने गांड के साथ करा वो इनको नहीं आएगा, क्योंकि इट स्टैंड्स इन द वे ऑफ द मैसेज, राइट, यू नो, इट स्टैंड्स इन द वे ऑफ जो एक्चुअली कम्युनिकेट होना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है, देन आई एम श्योर यू नो यू कैन देन पुट अ पैरेलल ऑन दिस, कि एक बढ़िया सी लाइन मैंने लिख दी, वाओ, पर मेरे को पता है कि ये लाइन समझ नहीं आएगी और ये तुरंत इंसान चौथी लाइन के बाद पढ़ेगा नहीं, देन फोर्सिंग माई सेल्फ, इसको सिंपली लिखो, ये वाला वर्ड क्यों लिखा है, इसको और आसान करो। मैं मेरे मन के अंदर ऑटोमेटिकली एक आवाज चल रही होती है कि यार अगर मैंने यहाँ पे हर थर्ड लाइन के बाद एक राइम नहीं डाली तो इंसान की जो आंखें नीचे नीचे जा रही होंगी, वो बोलेंगे अरे इतने डेलिबरेट ऐसे डिसीजन फिट कर रहे होते हो कि जो तूने बात करी ना कि टेंशन रिलीज, टेंशन बिल्ड, टेंशन रिलीज, टेंशन बिल्ड्स, टेंशन रिलीज इन द राइम, टेंशन बिल्ड्स, टेंशन रिलीज इन द राइम, इस तरह से वो डेलिबरेट करना। अगर कोई राइम नहीं डाल रहा मतलब ये कि तो स्टार्ट से लेके एंड तक द पोएम इज सपोज्ड टू मेक यू फील अनकंफर्टेबल, राइट, फिर मैं रिबन नहीं लगाऊंगा एंड के अंदर, राइट। तो ये इतने सटल सटल डिसीजंस होते हैं जो बिल्कुल भी मतलब यू नो ऑफ कोर्स बाहर नजर नहीं आते क्योंकि लोग तो फिनिश पीस ही देखते हैं, बट मैं अपने फोन के नोट्स की ऐप के अंदर बैठ के मिनटों तक, कई बार घंटों तक यही कर रहा होता हूं कि राइट कहां प्लेस करना है, कहां प्लेस करना है। Absolutely. Yeah, I've never talked about this. This is crazy. And I think one way to go about, like, to get more perspective is, I think we were talking about this पहले कि कैसे एक edit पे तुम लगे हुए हो, चार घंटे से तुम लगे हुए हो, तुम्हारा दिमाग पक गया है, तुम एक रात सो जाओ या मतलब दो तीन घंटे, एक घंटा वॉक कराओ और उसके बाद आओ। मेरा तो माइंड अभी तक ब्लो होता है कैसे मैं एक एडिट को किस तरह से देख रहा होता हूँ और मेरे को समझ नहीं आ रहा होता इसमें क्या गलत है, और मैं एक घंटे बाद कहीं घूम फिर के आता हूँ और उसको देखता हूँ और कैसे मेरा जजमेंट ही बदल जाता है। मेरे को इसके पीछे का साइंस अभी तक नहीं पता। एक तो इस चीज का ये चीज प्रैक्टिकली बहुत हेल्प करती है, मतलब जैसे ये तो अभी मैंने रिदम विदम बोल दिया, फिलोसॉफिकल लोगों को लगती है जो नए आते हैं, बट धीरे धीरे समझ आता है कि सही में रिदम है एडिटिंग में, बट वो तो अब मैं पोएटिक तरीके से बोल देता हूँ। बट प्रैक्टिकली जो चीज हेल्प करती है, एक तो ये कि टाइम तो गैप ले लो एडिटिंग से, दूसरी चीज जो मेरे को इस चीज में हेल्प करती है कि किसी को साथ, एटलीस्ट जब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता था ना, ट्रैवलॉग्स, व्लॉग्स,
तो मैं अपनी बहन को दिखाता था क्योंकि शी इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन द टेक्निक्स, या मैंने कितने घंटे घिसे हैं, तो मैं उसको देखता था जहां पे भी वो अपना फोन बीच में चलाने लग गई, हाँ मम्मी क्या, मतलब आवाज कहां से आ रही, कुछ भी डिसइंटरेस्टेड हो गई, मेरे को पता है ये कितना भी मैंने फनी बात करी है क्या ये वर्क नहीं कर रहा है, मेरे को ये हटाना पड़ेगा वीडियो में से, क्योंकि शी इज द शी इज योर व्यूअर, वो तुम्हारे व्यूअर्स को भी घंटा नहीं फर्क पड़ता इफ योर चैनल इज लाइक अ नॉर्मल लाइफस्टाइल बेस्ड चैनल. तो ये दो चीज इज इज द सेम फॉर यू इन राइटिंग, आई डोंट नो प्रूफ रीडिंग जैसे होती है. निखिल अरोड़ा, हार्निक बुलाता है अपना, को भी म्यूजिशियन है वो भी, हार्निक मैंने फॉलो किया उन्हें. हाँ तो वो ना उसने और मैंने एक पेन, हमने मैंने कहा यार मेरे को ना इंडोर गेम्स का बड़ा शौक है तो एक पेन फाइट वाली वीडियो बनाते हैं. तो वो बहुत अच्छा एडिटर भी है, ठीक है, उसकी अपनी खुद की मतलब वो बड़े अच्छे ऐसे रिएक्शन वीडियोस बनाता है इंस्टाग्राम पे. तो हमने पता क्या करा, हम लोगों ने ना अपनी फर्स्ट एडिट 7-8 लोगों को दिखाई एंड वी फॉलोड देयर आई मूवमेंट्स, ये देखने के लिए कि कहां कहां रुक रहे का. और मतलब क्योंकि कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स मैं पकड़ लेता था, कुछ वो एंड तक जाके हमने ऐसा सिस्टम कर दिया कि वो पूरी वीडियो लोगों ने इतनी बार रिप्ले कर ली क्योंकि उसके अंदर वो स्पेस ही नहीं है कि तुम यू नो डिस्ट्रैक्ट कर लो वो कर लो, राइट, एक वो चीज. ठीक है, नाउ एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, जो ये जूमिंग आउट वाली बात थी ना कि जूमिंग आउट से कैसे नए आइडियाज आ जाते हैं, यार मैं भूल गया तूने वो वाली क्या बात बोली थी, जूमिंग आउट वाली बात करी थी या फिर कि हाँ मैंने दो बात करी थी कि एक तो कि अगर तुम बहुत देर एडिट कर रहे हो, थोड़ी देर घूम फिर रहो, एक रात सो जाओ, उसके बारे में मत सोचो, कुछ भी और जिंदगी का काम कर लो, सब्जी खरीद लो, कुछ भी कर लो. दूसरा कि जो डिसइंटरेस्टेड व्यूअर है उसको दिखाना, उसको दिखाना, राइट. इससे पहले क्या हुआ था जिंदगी के अंदर कि मैं 16-17 की एज में पोएम लिखता था और उन पोएम्स पे कोई शेयर्स नहीं आते थे और बहुत कम लोग लाइक करते थे उनको क्योंकि वो पोएम्स बड़ी डेंस थी, हो सकता है उस टाइम पे माहौल ना हो ये ना हो, तो मेरे को इसलिए मैंने पोएट्री छोड़ दी. फिर जब मैंने दोबारा शुरू करी ना तो मेरे को YouTube का एक्सपीरियंस हो गया था थोड़ा सा, तो मुझे पता था कि चीजों को पैकेज कैसे करते हैं. और वो फिर मैंने देखा कि अगर कॉमन जनता एक पोएम शेयर कर रही है, सॉरी कोई पोएम पढ़ता नहीं है, ठीक है, मतलब अगर तो वो सिंपल रूपी कौर जैसी एक दो लाइनें हैं जो आसान है शेयर करना, अगर कोई लोग 10-15 लाइनें शेयर कर रहे हैं कॉमन जो पोएम ही नहीं पढ़ते, तो ये पोएम कामयाब है. मतलब वैसे भी पोएम्स कामयाब है, मन में इंटरेस्ट होगी, तो दैट बिकेम द बिगेस्ट पैरामीटर. अच्छा अगर इस तरह की पोएम चल रही है तो इसी ढांचे के अंदर क्या मैं और पोएम्स लिख सकता हूँ ये देखने के लिए कि ये और पोएम्स चलेंगी और ऐसे ही और फिर किन थीम्स के अंदर चलेंगी. तो यू राइट एक स्ट्रेटेजिक तरीका ऑलमोस्ट कि हाँ भावना तुम्हारी है बट लव जैसे यू नो ट्रैवल ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हैं राइट जहाँ पे वो लोगों की लॉन्गिंग या बेसिक इमोशन फुलफिल होता है तो वो उसको रीशेयर करते हैं. लाइक अच्छा राइट ये भी बेनिफिट है ना पब्लिक में काम करने का एज एग्जैक्टली काम करने का एग्जैक्टली. और मैं तो तभी जितने भी साल मैंने यूट्यूब किया मैं उसको जरा सा भी रिग्रेट नहीं करता क्योंकि मेरे को इतना सेंस ऑफ जजमेंट समझ आ गया ना ऑडियंस का कि कौन किस चीज पे रिएक्ट करता है एंड इवन यूट्यूब में कैसे 10 सेकंड में तुम्हें शुरू में हुक करना है ये सब चीजें फॉर जब मैं ब्रांड्स की फिल्म्स बनाता हूँ तो उतनी अप्लाई करती है क्योंकि वो उस सेंस से नहीं देखते और एक बहुत क्रिएटिव फिल्म मेकर भी उस सेंस से नहीं देखता. बट जब मैं एक कहीं ना कहीं वो आर्टसी होने की भी की तलाश में हूँ और यूट्यूब भी चखा हुआ है तो मेरे को वो बहुत पर्सपेक्टिव आ गया कि भाई जनता को इवेंचुअली क्या जमेगा. तो वो सेंस ऑफ जजमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियली अप्रिशिएट कि वो बढ़ा. And I think that's helpful, no? Because अक्सर क्या होता है कि ये चीज मैंने भी नोटिस करी है कि कई बार आप अपने पीयर्स को इम्प्रेस करने के लिए चीजें ऐसी बनाते हो और फिल्म मेकर्स या और राइटर्स ये अक्सर ये एक कॉमन दिस इज वेरी कॉमन थीम इन मोस्ट क्रिएटिव इंडस्ट्रीज की जहाँ पे आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इम्प्रेसिंग द अदर गाय डूइंग द सेम थिंग इज मी एज अपोज टू कम्युनिकेटिंग माई मैसेज टू द ऑडियंस. मैं गिल्टी हूँ इसका अभी भी. हाँ हाँ मैं अभी भी ये करता हूँ. मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है और उसका फिर उससे होता यह कि मतलब आपके कंटेम्प्रेरीज ने आपकी वाह वाह काई कर दी पर आपका जो संदेश था वो पहुंचा नहीं यू फेल्ड एट इट बेसिकली. राइट राइट. एंड इसमें जो आपने इमोशंस की बात कही थी ना आई थिंक दैट अप्लाइज टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग बीट स्क्रीन प्ले या अगर तुम वर्बली स्टोरी स्पोकन वर्ड में सुना रहे हो कहीं भी तुम्हारा अगर स्टोरी ये आई थिंक काफी अच्छे राइटर्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि तुम्हारा स्टोरी चाहे कहीं पे भी बेस्ड हो तुम भैंस के यहाँ जोरासिक पार्क या मतलब जानवरों की तुम ड्रैगन्स की बात कर रहे हो बट इवेंचुअली व्हाट मेक्स पीपल शेयर इट एंड एटलीस्ट रेजोनेट विद इट इज द इमोशंस. तो अगर तुम गेम ऑफ थ्रोन्स में जो तुम्हें
ऑब्वियसली वर्ल्ड लुक सिनेमैटिक, बट वो एक दो एपिसोड तक तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि भाई कितना अच्छा वीएफएक्स है वगैरह. उसके बाद एक नॉर्मल व्यूअर को द फीलिंग्स ऑफ एनवी, जेलसी, हैप्पीनेस यही ग्लू रखती है, क्योंकि दैट्स व्हाट यू कैन रिलेट विद. यू कांट रिलेट विद फकिंग बीइंग टिरियन, मतलब तुम नहीं बन सकते वो कभी, बट यू कैन रिलेट विद बीइंग द निग्लेक्टेड सन. तो मतलब आई थिंक तुम्हारा प्रेमिस चाहे कोई भी हो, जो बेसिक इमोशंस है वो कन्वे हो जाए तो मजा ही आ जाए. हाँ भाई, एक और चीज भी है ना, आई थिंक व्हाट आल्सो एनेबल्स अस टू यू नो रिलेट विद कैरेक्टर्स इज सीइंग देम फक अप. क्योंकि अगर वो हर चीज बाय द बुक करेंगे तो वो सुपरमैन हो जाएंगे. One of the reasons why Superman is so unsuccessful as a superhero is क्योंकि भाई ठीक है तेरा kryptonite एक दिक्कत है, but you know हम relate नहीं कर सकते क्योंकि तू तेरे अंदर कोई deep shadow वाले घाव नहीं है, vulnerable नहीं है तू मेरे भाई. हाँ, तू vulnerable नहीं है और तू मतलब जैसे ऐसा नहीं होता कि अच्छे से अच्छा superhero भी constantly self sabotage करता है. Right. वो जो self sabotage की tendency है, मैं बोल रहा हूँ Tony Robbins ही क्यों ना हो, बहुत बड़ा कोई वो ना हो, self sabotage की tendency सबके अंदर होती है. कि जहां पे हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने को देखने के लिए हम इतने सारे पैसे स्पेंड करते हैं, जब तुम्हें पता लग रहा है अरे यार नहीं 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 उधर मत जा, क्या कर रहा है, प्रोवोक कर देता है राइट 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 राइट. सुपर इंटरेस्टिंग. आपके मन में कोई एग्जांपल आ रहा है कोई ऐसा? आई डोंट थिंक आई वॉच मेनी सुपर हीरो मूवीज, मेरे को शौक नहीं, बट कोई अच्छी सुपर हीरो मूवी जिसमें एक हीरो को भी की भी गलतियां दिखाई है कहीं ना कहीं? हैंकॉक याद है? विल स्मिथ? नहीं, मैंने नहीं देखी. तो ऐसे तो और क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल. सबसे बड़ा एग्जाम्पल बट वो काफी ज्यादा ही है, एक नई सीरीज आई है द बॉयज. द बॉयज ऑन Amazon Prime. आई थिंक आई हैव सीन द बैनर प्राइम पे कहीं ना कहीं. तो उसके अंदर पूरा सीन क्या है कि एक तो देयर इज अ बैंड ऑफ मर्सनरीज जो सुपर हीरोज से पिस्ड ऑफ है. सुपर हीरोज का खैर अपना सीन है, किसी को गॉड कॉम्प्लेक्स है, किसी को अबैंडनमेंट इश्यूज है, किसी को इनसिक्योरिटी है. ठीक है, कोई एक फॉरेन सुपर गर्ल है, पहले अच्छी हुआ करती थी फिर दुनिया ने उसकी हस्तसी कर दी. तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बट वो अच्छा है बिकॉज यू रियलाइज कि इतने बड़े बड़े परसोना के पीछे किस तरह का इंसान बैठता है. राइट. तो पॉइंट ये है कि सुपर हीरोज आर वेरी फॉलन. मतलब और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे बैटमैन यार. राइट. बैटमैन के अपने खुद के इतने इमोशनल इश्यूज हैं, वो राइट जाता है. राइट. यहाँ बंदर आ गए, क्रेजी बंदर है आपके. हाँ, बंदर आ जाते हैं यहाँ पे. क्रेजी. बरसाती जो होती है उसको हिलाते हैं रात भर, मतलब यूं 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 ऐसे करते हैं रेलिंग को कि पता नहीं समझ गया क्या करने के लिए. आई डोंट नो, इट्स क्रेजी. इंटरेस्टिंग. बट या आई थिंक इवन इन डॉक्यूमेंट्रीज दिस थिंग अप्लाइज. मेरे को वो डॉक्यूमेंट्रीज बिल्कुल नहीं पसंद आया जिसमें बस तुम वाहवाही हो रही है, फिर वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जिसके बारे में बनी है उसी ने वेंचर डायरेक्ट करी है, तो वो जैसे अपने आप को दिखाना चाहता है, प्रोपेगेंडा बन जाता है. तो या आई थिंक अगर वल्नरेबिलिटीज दिखाते हो तो इवन इन डॉक्यूमेंट्रीज दैट हेल्प्स. हाँ, मतलब मुझे पसंद है ये देखना कि ये कैरेक्टर इज यार, जैसे हम भी तो ये करते हैं करण, हम जैसे बैठ के बात करेंगे यू नो पॉडकास्ट के बियॉन्ड, तो हम ऐसी कोई बातें शेयर करेंगे जो शायद, हम ऐसी कुछ चीजें करेंगे जो हमारे एक ऑनलाइन पर्सोना जिसको लोग कंज्यूम करते हैं उससे एंटीथेटिकल चली जाएंगी. यार मेरी तो ना इस चीज पे फटती है, यार मेरा तो ऐसा है. या कोई इंसान जिसकी बहुत अच्छी छवि, जैसे एलन डिजेनरिस का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें बड़ा बहुत बड़ा स्कैंडल इसलिए हो गया क्योंकि उसकी शायद कोई कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई जहां वो अपनी टीम से गाली देते हुए बात कर रही थी. सबको लगता था एलन तो बड़ी अच्छी है, ये वो. तो दैट्स अ पार्ट ऑफ हर शैडो. राइट. हर फॉल फ्रॉम ग्रेस एंड व्हेन शी कम्स बैक टू इट विल सॉर्ट ऑफ लाइक मेक अस लाइक हर इवन मोर. यू इन अ वे की उसकी डर्टी लॉन्ड्री हम सब ने देख ली कि ये है. राइट राइट राइट. ये दिस इज समथिंग आई स्ट्रगल विद अ लॉट, मतलब स्पेशली व्हेन आई गॉट इनटू फिल्म. पिछले कुछ महीनों साल, एक साल से जब मेरे को थोड़ी इंडस्ट्री लीडर्स टाइप फॉलो करने लग गए थे ना, स्पेसिफिक फैशन स्टाइलिस्ट, डिजाइनर्स, अच्छे डीओपीज, तो मेरे को ना, मेरा पहला था कि मैं अपने आप को इंपोस्टर सिंड्रोम में के हिसाब से देखे कि मैं अपने आप को एज ए यूट्यूबर बड़ा, मैं अपनी माँ को भी दिखा रहा हूँ कि मेरी मम्मी तो ऐसी है, मैं तो रिलेटेबल हूँ, मेरी मम्मी चटिया धोती है, मतलब जो भी टाइप्स. और उसके बाद एकदम से मैं उस वर्ल्ड में आ गया जहाँ पे लोग बिल्कुल वैसे नहीं दिखाते अपने आप को, ऐसे दिखाते कि मैं तो भाई मेरे को पता है कितना शटर स्पीड रखना है, मैं तो आर्टिस्टिक हूँ. अब मैं इतना कंफ्यूज हुआ उसके बाद कि भाई अब मैं शेयर करूं वो चीजें ना, तो अभी भी
हर हफ्ते मेरे को जब कोई इंटरेस्टिंग बंदा फॉलो करता है, अब मैं कुछ भी डालता हूँ तो बस मेरे दिमाग में वो दो तीन लोग होते हैं, यार इनको क्या ही लगेगा मैं कौन हूँ। तो आई स्ट्रगल विद दिस अलॉट, क्योंकि मैं इतने मल्टीपल आइडेंटिटीज लेके घूम रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं लोगों को मेरे को यूट्यूब से देखा कि बकचोदी करता था, कुछ स्कूल के लॉन्डे है जो एक तरह से दिखते हैं, यहाँ पे मैं वीडियोग्राफी में एक तरह का हूँ, तो ये तो है यार कि इंसान बड़ा कुछ है, इंसान बड़ा कुछ है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज से, क्योंकि कुछ पॉडकास्ट करने के बाद कुछ लोगों ने मेरे को फॉलो करा था, तो इनिशियली मैं ऐसी अपनी इंग्लिश वाले पॉडकास्ट में अपनी अपनी छवि को लेके बड़ा पर्टिकुलर हो गया कि ऐसा ना करो, पर फिर यार आदमी की बकचोदी है मानती नहीं, मैंने ऊटपटांग स्टोरी डालने शुरू कर दी, धीरे धीरे उन कुछ लोगों ने अनफॉलो कर दिया, मैंने कहा बढ़िया है बढ़िया है, मतलब एटलीस्ट हम रियल रहे, ये इंस्टेंटली आया बढ़िया है यार, दिल में दर्द नहीं हुआ, थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा पर कोई नहीं, एक दफा फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा माँ चुदाए अपनी क्या कर सकते हैं, यू नो, और मैं क्या बोलूँ कि, क्योंकि ब्रो लाइक ये देखना, कुछ भी चीज जो इनऑथेंटिसिटी के ऊपर ऐसे बिल्ड है वो ज्यादा देर सर्वाइव थोड़ी करेगी। 100% अगर मतलब बहुत ही अगर गंदी चीप बात करूं, अगर आपको किसी को अपना पहले ही खोल कर दिखा दो कि मैं तो ये हूं, तो फिर नथिंग टू लूज, देयर इज नथिंग टू लूज, लाइक यू लाइक और लीव, और ये बोलना आसान होता है करना मुश्किल होता है, पर आई डोंट सी एनी अदर थिंग, जैसे पर्टिकुलरली मेरे को ऐसा लगा कि यार क्योंकि अब मैं थोड़ा सीरियस कंटेंट बनाता हूँ, मैं अपने नाम से कुत्ता हटा देता हूँ, क्योंकि कोई भी कुत्ता नाम कुत्ता वाले इंसान को नहीं करेगा, और मैं ऑनेस्टली 24 साल का शिट पोस्टर बनना नहीं चाहता, वो मेरी पर्सनालिटी का एक पार्ट है कि मेरे को पसंद है बकचोदी करना, मतलब थोड़ी कि मैं अपनी जिंदगी इसमें इन्वेस्ट कर दूं, यू नो, सो आई'ड रादर लेट इट कम ऑर्गेनिकली एज अपोज्ड टू कि अब मैं ये इंसान हूं, राइट राइट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार टू नेविगेट ऑनलाइन पर्सनालिटीज एंड पर्सोनास, 100% सो हां बताओ, क्योंकि जैसे मेरे लिए ना क्या हुआ कि मेरी जो पर्सनल प्रोफाइल थी ना वही बिजनेस पेज बन गया, लाइक 99.9% ऑफ माय वर्क कम्स थ्रू इंस्टाग्राम, नो ब्रांड, मतलब मेल्स भी नहीं लिखते, बड़े से बड़े डिजाइनर ने मेरे को इंस्टाग्राम डीएम पे ही अप्रोच किया डायरेक्टली फॉर वर्क, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो मेरे को वहां पे देख रहे हैं, अब अगर मैं अपनी फीड पे रैंडम कुछ डालता हूं तो मेरे को लगता है मेरा पोर्टफोलियो खराब हो रहा है, विच इज अ मिस्टेक आई मेड, क्योंकि आई शुड हैव मिक्स्ड दीस टू थिंग्स, नाउ आई मेड अ सेपरेट वेबसाइट फॉर माय, I won't call it a production house, but nazareproductions.com. अब मेरे को किसी को काम भेजना है तो मैं उधर भेजता हूँ, now I'm slowly trying to diverge all the people उधर कि भाई मेरा काम यहाँ पे है, so that at least मैं थोड़ा experiment कर सकूँ अपनी stories पे या कहीं, तो हाँ वो भी होता है कि तुम YouTuber alive, yeah, gotta keep that alive. हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, एक पेज पे मैं पहले पॉडकास्ट की प्रमोशन कर रहा था सेम पर्सनल प्रोफाइल पे, उसी पे फिर मैं कुछ और कर रहा था, उसी पे राइटिंग का कंटेंट डाल रहा था, फिर उस पे पर्सनल फोटोज वगैरह, उस पे शिट पोस्टिंग, ये तो करना, मतलब ये आई थिंक दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, या मतलब इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, वो अभी हम किसी बात कितनी भी बात कर ले इस बारे में, वो ये ना हमेशा रहती है ये वाली स्ट्रगल, तो इसका हाँ मैं समझता हूँ जो एस्थेटिकली माइंडेड लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी ज्यादा रहती है कि फीड कैसी लगती है, जो ऐसे मशीन गन वाले होते हैं कि देखते हैं आज क्या क्या चलेगा नहीं चलेगा, उनके लिए नहीं होती, लेकिन जिनको ये है कि भाई मेरी इंडस्ट्री का तो गोल्ड स्टैंडर्ड यही है कि मेरी तस्वीरें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और सैडली ना ये है यार मेरे काम में ना है, अगर मैं कुछ रैंडम डाल दूंगा ना ऑनेस्टली मेरे को मेरी सेल्स अफेक्ट होगी, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल यार बिल्कुल, हाँ तो मेरे में थोड़ा ज्यादा मैं सिनिकल हो जाता हूँ उसको लेके, नहीं सिनिकल होने की बात नहीं है, क्योंकि एक तरह से गैरी वी जैसे लोग बोलते हैं पोस्ट व्हाटएवर यू वांट, दैट्स फॉर द एवरेज कंज्यूमर, ब्रो व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल यू हैव टू डू इट प्रोफेशनली, बड़ी सिंपल बात है, राइट राइट, मैं बात कर रहा था, मैं भी नहीं चाहता यार कि बहन जो मेरे पेज के ऊपर मैं अनचेंट कुछ भी डालूं, क्योंकि मेरे को पता है कि आगे जाके मेरे को किस तरह की फील्ड में जाना है, क्या काम करना है, और उसके कुछ कैंडिडेट्स हैं, मैं रिबेल बन के लाइंस ब्रेक कर सकता हूँ, श्योर मैं भी अभी करूंगा भी और कर भी रहा हूँ अपने उसपे, पर उसके अंदर थोड़ी टू गो नीडलेसली कॉन्ट्रेरियन बनो, खामा खाई, राइट राइट एग्जैक्टली एग्जैक्टली, स्पेशली व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टिंग आउट अर्ली इन योर करियर, राइट, एक टाइम पे ऐसा होता है तुम डेव शैपेल हो, तुम जो रोगन के पॉडकास्ट पे आके सिगरेट पी सकते हो, फक यू आर डेव शैपेल, दैट्स बिकॉज़ योर ब्रांड इज योर पर्सनल ब्रांड, डेव शैपेल इज द ब्रांड, इट्स नॉट लाइक वो कोई मीडिया हाउस का एक एम्प्लॉई चाहे हो भी, बट ही इज नॉट सेलिंग हिमसेल्फ एज दैट, he's right. selling himself, so that's different, so ideally what I'd like for myself is ki let Karan Chawla be a brand and let Nazare Productions be a brand in itself, and Karan Chawla is the creative director of Nazare Productions, that's the ideal case scenario, but it's of course practical life mein it's very difficult to matlab you know merge traffics ki agar jo mere paas itni following hai utna hi main apni, kyunki it's difficult to build following for a brand rather than personal brands, tabhi aajkal Gary Vee bhi bol raha hai na brands ko bhi insano ki tarah treat karo, बट समझ रहे हो, तो वो वाला सीन तो है फॉर श्योर, मैं
तूने देखा शपेल ने क्या किया वैसे? नहीं मैंने, मैं फॉलो नहीं कर रहा कॉमेडी इंसान. नहीं आई हैव सीन हिम बट क्या कोई स्कैम वैम हुआ भाई? नहीं मतलब व्हाट ही डिड इज शेयर ब्रिलियंट. सो इसका ही हैड द शो फॉर 11 12 इयर्स कॉल्ड डेव शपेल शो, मतलब नॉट 11 12 काफी साल के लिए इसका शपेल शो था उसका नाम. इस पे इतने पैसे नहीं थे, इसने फटाफट फटाफट एक ऐसा अग्रीमेंट साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कम पैसे मिलेंगे और द यू नो नेटवर्क हैड कंप्लीट एक्सेस. फिर उसके बाद इसने कहा यार बहुत हो गया, मतलब ही वाज फीलिंग एक्सप्लॉइटेड, तो ही लेफ्ट द शो बिजनेस. $50 मिलियन की डील से वॉक अवे कर लिया. 12 साल शो बिजनेस के बाहर रहा, छोटे मोटे शोज करे. फिर अब 2017 के अंदर ही केम बैक ऑन टॉप, नेटफ्लिक्स डील साइन करी इसने $20 मिलियन पर स्पेशल की 5 साल के लिए. ठीक है, तो ही अगेन रीएस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ नंबर वन कॉमेडियन, बहुत अच्छे स्पेशल्स करे. अब इसको लगा यार बहन जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, मेरा अपना खुद का इतना प्राइस जूल शो कोई और नेटवर्क हर जगह चला रहा है, मेरे को पैसे भी नहीं मिल रहे. इसने एजेंट को फोन करा, कह रहा हाँ तो तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था ना. इसने कहा पहले तो मैं तेरे को फायर कर रहा हूँ तेरी ऐसी की तैसी. इस बंदे ने IGTV पे अपने कमेंट्स को डिसेबल करा और एक पूरा स्पेशल निकाला. उस स्पेशल के अंदर इसने क्या करा, कुछ जोक्स नहीं, एक दो जोक्स हैं, सीधा बोलता है मेरे पैसे तुम्हारे पास हैं, मेरे पैसे मेरे को दो, नहीं तो ये जनता नाराज होगी, मैं नाराज होगा. माइक ड्रॉप. CBS वाले उनकी इतनी फट गई. ये किसी नेटवर्क को बोला उसने कि पैसे तुम्हारे पास है, बोला कह रहा है मैं, मेरा करियर खत्म हो सकता है, आई डोंट केयर, क्योंकि किसी नेटवर्क के खिलाफ एक इंडिविजुअल जा रहा है. क्रेजी, इतने बड़े नेटवर्क के बाद. क्रेजी कह रहा है, पर आजकल के जो CEOs हैं वो अच्छे हैं, दे बिलीव इन यू नो राइटिंग द रॉन्ग्स ऑफ द पास्ट. आई गॉट पेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड आई हैव अ नेटफ्लिक्स डील. ब्रो अ कॉमेडियन वाज एबल टू कॉल आउट एन एंटायर नेटवर्क एंड वाज पेड फॉर द पास्ट. कह रहा है बंच ऑफ मौजी मौज. तो राइट, आई वाज लाइक ब्रो दैट गाय रियली हैड द, बिकॉज़ ही इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस और सच बोलो राइट, एंड ही वाज एबल टू डू दैट. I think recently मैं एंड्रू शूल्स के पॉडकास्ट क्लिप्स कुछ सुन रहा हूँ. हाँ, वो कहीं ना कहीं सिमिलर पर्सनैलिटी मेरे को दिखाई दे रही है डेव शपेल जैसी, जैसे आप बात कर रहे हो. कि उसने अपनी, आई थिंक द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन डू इन टूडेज एज, कि अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर लो. बहुत बढ़िया करा है उसने, बहुत बढ़िया कर लिया है वो चीज. यूट्यूब पे ही अपने उसका स्पेशल भी है, क्राउड वर्क वाला. जो रोगन छोड़ा ना यूट्यूब, शूल्स ने पकड़ लिया. शुल्ज़ ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर ली पूरी की पूरी. हालांकि शुल्ज़ थोड़ा मोर पॉप कल्चर ही है, मतलब वो इतना ज्यादा रोगन की तरह ऐसे कमेडियंस लाता है वो भी. उसकी वाइब अलग है. पर अच्छा ये चीज, एक और चीज क्या करता है ये, इतने सारे लोग बैठते हैं, ये करंट अफेयर्स के हिसाब से अपना वो बनाते हैं टाइटल, क्लिकबेटी वाले होते हैं पूरे, क्लिकबेटी वाले. फलाना दिस गाय, इफ दिस गाय बीट्स लोगन पॉल इज, राइट, उस आकाश सिंह के साथ बैठ के जो वो सब डिस्कस कर लेता है. राइट राइट, स्मार्ट है वो, कि उसको ये पता है कि ये चीज चलती कैसे है. बिकॉज़ इट्स नॉट द सेम 3 आवर पॉडकास्ट लाइक जो रोगन, उसका तो पूरा इट्स मेड फॉर अ यंगर जनरेशन, और उसकी सारी ऑडियंस भी फिर इज फ्रॉम मेनी डिफरेंट रेसेस. ये तो उसकी स्मार्टनेस है. हालांकि शपेल ने रोगन के पॉडकास्ट पे आके ये बोल दिया था कि देखो जो एंड्रू करता है वो बढ़िया है, मैं नहीं जानता क्या है सिस्टम, ये तो मेरा स्टाइल है. तो फिर उस पर उसने रिएक्ट करा. ये सब चीज भी है लाइक देयर इज, उसके अंदर ना थोड़ा यूट्यूबर सेंट्रिक है वो, कि हाँ सीन में क्या हो रहा है उसकी बातें करनी है. हाँ, ये सारे थोड़े पुराने ओजी टाइप के हैं कि भाई हम तो अपना एक काम करते हैं. राइट, मेरा पॉडकास्ट है, मैं, मेरे को परवाह नहीं है, मैं स्पॉटिफाई पे चला जाऊंगा यार. पर डू यू फील, मेरे को ना यूट्यूब पे आने का बड़ा मन करता है, बट फिर मैं देखता हूँ कि वही वाला यूट्यूब पे हो रहा है कि सीन की बातें हो रही है. Do you feel there's space for original content? Like not like TVF जैसे अपनी वेब सीरीज निकाल रहा है, that's one type of original content. But do you feel, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी चल रहे हैं लोग वो mostly YouTube की बातें कर रहे हैं. Trends तो, और YouTube culture दो ही चीजें हैं. हाँ तो देख ले भाई, मतलब like do you have YouTubers, favorite YouTubers who are not doing that? I don't like my colleagues too much. If I'm being very honest, मैं तो ये बात publicly भी बोली है क्योंकि मैं उनसे relate नहीं कर सकता. मतलब मैं और नॉन यूट्यूबर्स ज़्यादा रिलेट करता हूँ. मेरा तो ये सिस्टम सिंपल है भाई, मेरे को एक महीना नहीं लगाना वीडियोस पे. मैंने एक पूरे महीने की वीडियो बना के रख दी है, मेरी टीम पूरे महीने एडिट करती रहेगी और अपलोड करती रहेगी. ठीक है, बिकॉज़ आई एम, मतलब मैं वो ट्रेंड्स वाला गेम जब जिंदगी में खेलना होगा मैं खेल सकता हूँ. अभी फॉर मी इट्स जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म. आई एम नॉट, आपने सिस्टम्स एस्टैब्लिश कर दिए उधर. हाँ, आई एम नॉट इमोशनल अबाउट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. इट्स जस्ट लाइक रिलेंटलेस पब्लिशिंग. ऑफकोर्स तुम धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते ही हो, पर
क्या है ना कि एक बार once you become slave to the trends, you're trapped by the trends, फिर तुम जान नहीं सकते। तो मैं as long as I, जब तक कि मेरा इस पे कुछ dependent नहीं है YouTube पे और मेरा काम और कैसे चलता है, I don't have to do that। तो उसके pros and cons भी हैं। लोग ऐसी बातें लिखते हैं, भाई आप तो underrated हो, कब ग्रो करोगे भाई, इस तरह की वीडियो बनाओ, रोस्ट करो। तो अभी तक तो ओरिजिनलिटी चली रही है, देख ले हम भी जो ये बातें कर रही हैं, मतलब मैंने मतलब ये भी दोस्त कास्ट इसलिए शुरू करा because I realized it's gonna be more YouTube friendly, but even then it's very original because हम हिंदी में बातें करते हैं, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं। हाँ, और वो सिर्फ YouTube की बातें नहीं होती। I remember आपने एक अपने दोस्त के साथ करा था जिसमें वो बैंड्स की फिटनेस वाली बात हो रही थी, वो मैं देख रहा था, एकदम हाई एंड पॉडकास्ट था, राइट। तो दैट्स नॉट टिपिकल YouTube, सो या इट्स इंटरेस्टिंग एंड द डायलेक्ट इज वेरी हिंदी में इंग्लिश वाला, तो या इट्स अ मिक्स, या दैट्स इंटरेस्टिंग। वो ये इंटरेस्टिंग बात है ना, बिकॉज मतलब आई डिडंट ग्रो अप ऑन यूट्यूब, आई मीन इवन यू डिड, पर तेरा भी सीन अलग था। तो इस सेंस में मतलब मैं विदाउट टूटिंग अवर ओन हॉर्न थोड़ा अनकन्वेंशनल है ना, इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल करियर इन एनी स्कोप ऑफ द इमेजिनेशन। आई थिंक तभी केसी नाइस्टैट जितना मेरे को दिल को छुआ था, जिसकी वजह से मैं फिल्म मेकिंग में कहीं ना कहीं मतलब नैरेटिव व्लॉग्स में घुसा था, which led to the kind of work I'm doing abhi, was because he came with 30 years of experience of not doing YouTube and making just videos offline, right? Okay. And he, हाँ, वो कितनी साल की उम्र में आया YouTube पे? 35 साल का था वो, right? और वो 18 साल की उम्र से videos बना रहा है। तो 2015 में मैंने उसकी पहली video देखी थी, 2007 से उसने YouTube पे कुछ ना कुछ post करना start किया था। तो इवन दो ही बिकेम अ व्लॉगर, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ही वाज एबल टू चेंज द यूट्यूब व्लॉगर वाला परसेप्शन कि इट्स नॉट जस्ट ऐसे वाले करके मैं यहाँ हूँ, क्योंकि वो फ्रेश पर्सपेक्टिव इसलिए ला पाया क्योंकि उसने जिंदगी अलग तरह से जी थी, जिसकी वजह से वो एक नया स्टाइल बन गया। तो तभी मैं ना चेरिश करता हूँ कि जो मैं अभी बाहर के ट्रिप्स लगा के शूट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बहाने में अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या पता कुछ मेरा स्टाइल वैसा बने जो कि टिपिकल इंटरनेट स्टाइल नहीं है। Agreed, 100% heavy agree, heavy relate, because मेरे को ये चीज लगती है ना कि आप, and again nothing against those kids who do it, because see when you only know one form, the competition increases, the pressure increases, it's almost like तुम्हारा रास्ता ही एक है, वो ये कि भाई यूट्यूबर्स को देख के ही बड़ा हुआ हूँ, यूट्यूबर ही बनना है। तो यार मतलब if you want to like in general like increase your palette for creativity, you can add more diverse media forms, यही थोड़ी right right and same for video editing, coming back to where we begin with, log na video editing YouTube ki ek type ki video editing hai, jo acche editors banna cha rahe hai na wo kafi baar us trap mein ghus jate hai ki wo tutorials wahi wale dekhte hai, zoom transition, glitch effect, ye sab jump cut is a good wo to feature films mein bhi use hota hai, jump cut is a normal cut basically, jump cut isn't basically YouTube wala, but the way YouTubers use jump cut is a specific way, but what I'm trying to say is ki jis type ki transitions hoti hai, ek type hota hai text ko ek tarah se use karna, wo na kya karte hai ek achhi narrative film mein bhi YouTube type wali editing kar dete hai na, mere liye sabse bada turn off wo hota hai। To ye apply karta hai meri field mein bhi ki khali YouTube style wali editing mat karo, I don't know ye term bhi kyun bana hai YouTube type ki editing, but ban gaya hai क्योंकि SEO में आसानी होती है जो आप लोग अपलोड करते हैं उन्हें, बट या तो आई थिंक वो, एंड इवन विद फिल्मिंग जो ऐसी वूश ट्रांजिशंस, लिटरली आप टाइप करोगे ना वूश ट्रांजिशंस ट्यूटोरियल, करोड़ों मिलेंगे आपको, क्योंकि वो एक यूट्यूबर्स का स्टाइल बन गया ना। दो तीन लोगों ने, बेन टीके ने स्टार्ट करा, सैम कोल्डर ने स्टार्ट करा, और वो यूट्यूबर्स थे। तो अब लोग अच्छी नैरेटिव में भी वो शूशा करते थे, दे डोंट रियलाइज कि उसको छोड़ के भी और सिंपल तरीके है। तो आई थिंक जस्ट बीइंग इन अ ट्रैप ऑफ यूट्यूब स्टाइल ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड वीडियो एडिटिंग इज नॉट हेल्दी। अग्रीड, ये इसका एग्जांपल बेस्ट डेमोंस्ट्रेट होता है। एक मैंने वीडियो पे ऐसे एक वीडियो बनाई थी ऐसे राइटिंग के ऊपर। कॉलेज में मेरे को एसेज में सही सही मार्क्स मिलते थे, इतने बढ़िया नहीं मिलते थे। फिर मैंने एक बंदा रायन हॉलिडे पढ़ा जिसने स्टोइसिज्म, तू भी जानता होगा डेली स्टोइक, मैं फॉलो भी करता हूं पॉडकास्ट। तो वो इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो एक राइटर था जिसने मार्केटिंग पढ़ी और उसने एज मार्केटर काम करा, पर कहना थोड़ा, तो वो इतनी एंशिएंट फिलॉसफी को इतनी बढ़िया तरह मार्केट कर पाया, राइट? नाउ ही वाज लाइक, नहीं मैं तो एक ट्रेडिशनल राइटर ही हूं, मैं यही काम करूंगा, राइट? वुड बी नोवेयर, राइट? उसकी जो एसे राइटिंग एडवाइस भी है ना कि एसे सिंपली कैसे लिखना है,
इज टेकन फ्रॉम एक पुराना ग्रीक जनरल या स्पार्टन जनरल किसी जमाने का, कहता है कि राइटिंग का तरीका यह है कि पुराने जमाने में अगर तुम्हारे ट्रूप्स कुछ घायल रहते थे या कुछ कमजोर लोग रहते थे, प्रोविजंस थे, तो वो बीच में रहते थे और स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रूप्स चार तरफ से उन्हें गार्ड करते थे. तो मतलब तुम्हारे सारे भाले चारों तरफ निकले हुए हैं, बीच में सब लोग यू नो जो थोड़े कमजोर हैं वो सब चल रहे हैं. ऐसे ही तुम ऐसे को लिखो कि तुम उसको पूरा चेंज ही कर दो कि जो तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटेंसेस हैं वो तुम्हारे कंटेनर्स बन जाए स्टार्ट और एंड, तो बीच में तुम सारा मलबा भर दो, तो अगर थोड़ा खराब भी होगा तो वो चल जाएगा. यार ये वीडियो एडिटिंग में भी सेम यही है. बट या कैसे कैसे, हाउ डज दैट अप्लाई? दैट्स हाउ आई पोजीशन माय शॉट्स. मतलब आई एम लिटरली थिंकिंग कि अभी ये स्ट्रॉन्ग शॉट आया, दो तीन मैं लूज कर सकता हूँ. लाइक इफ आई, मतलब ऑब्वियसली इट्स द बेस्ट अगर तुम्हारे सारे शॉट्स पावरफुल है या वो, बट समटाइम्स दैट आल्सो डजंट हेल्प क्योंकि फिर तुम्हारा ग्राफ ऊपर ऊपर ही है, इट्स बिकम्स टू मच फॉर द व्यूअर. You have to release the tension, right? So, वैसे ही मैं भी shots place करता हूँ कि strong आया, दो ऐसे आ गए, फिर एक ऐसे आ गया, दो में titles नहीं आए, फिर text आ गया. तो literally that's how I think of editing. मतलब मैं तो literally maths की तरह समझता हूँ beats. मेरे लिए तो बहुत instinctive तो है ही कि like I feel, मतलब अब इसमें ही मेरा म्यूजिकल एक्सपीरियंस काम आया जो मैं कीबोर्ड बजाता हूँ कि मेरे को रिदम की एक सेंस थी. एंड आई थिंक हर एक एडिटर को, वीडियो एडिटर आई एम टॉकिंग अबाउट, को म्यूजिकली थोड़ा सा इंक्लाइंड होना चाहिए, उसको रिदम की समझ होनी चाहिए. अगर उसमें ग्रूव है ना इंसान में, मतलब ये बहुत पोएट्री लगती है बट मेरे को जनरली लगता है जो अच्छा एडिटर है ना वो, मैं उसका सेंस ऑफ म्यूजिक भी बहुत अच्छा होगा. मेरे जो फेवरेट एडिटर्स है उनकी सेंस ऑफ म्यूजिक हमेशा मैंने अच्छा देखा है और उनका सेंस ऑफ रिदम भी. आई डोंट नो ये क्यों होता है बट ऐसा है. वो जरूरी भी है ना, मतलब मैं तो कोई अच्छा एडिटर बाय नहीं, इमेजिनेशन हुई नहीं, पर मेरे को भी पता है कि अगर मैं भी कोई एमेच्योर चीज बना रहा होता हूँ ना, जहाँ पे ड्रम में हाई हैट आ रहा है, मान लिया अगर मैंने वो चूज कर लिया कि इधर हाई हैट आ रहा है, यहाँ पे कट मैं हर बार हाई हैट पे काटूंगा. जैसे right. अगर 4/4 है राइट right. हर फोर्थ बीट पे काटूंगा right. Right. या फिर अगर कोई गाना है जैजी गाना भी है ना तो राइट right. अगर ऐसे एक टाइम लाइन बनी हुई है तो काफी इनकंसिस्टेंटली वो आ रखा है तो उसको yeah. मैं फॉलो करूंगा, एक रिदम बना लूंगा, एक रिदम बनाने के लिए वो राइट. बिकॉज क्योंकि फिर ऐसा और होता है, फिर अगेन अनलेस हम वो टेंशन वाला एग्जांपल यूज कर रहे हैं, अनलेस मुझे वो डेलिबरेटली टेंशन बनानी है, दिखानी है कि जहां पे यू नो ऑफ बीट चल रहा है, ऑफ बीट चल रहा है, ऑफ बीट चल रहा है, अगर बट इफ आई वांट टू शो सिंक आई विल मेक श्योर कि कट यहां पे है बिकॉज़ बीट भी इधर ही थी एंड यू नो जस्ट उससे. और जो और स्किल्ड एडिटर होगा वो क्या देखेगा, हाई हैट्स भी देखेगा, वो तुम्हारा बेस भी देख लेगा, 808s भी पकड़ लेगा और उस पे भी एक वो अपने पैटर्न बना लेगा. व्यूअर को नहीं समझ आएगा कि इसने एक बेस लाइन भी पकड़ ली, बट एक ओवरऑल ना डांस बन जाएगा उसका एडिट, एक कट्स ना उसके नचा देंगे दिमाग में. ये बहुत अच्छा एग्जांपल ना म्यूजिक से अप्लाई होता है. एक गाना है कश्मीर के नाम से, लेड ज़ेपेलिन, कश्मीर बैंड है एक. अच्छा ओके ओके, लेड ज़ेपेलिन, लेड ज़ेपेलिन उनका गाना है कश्मीर. तो कश्मीर में जो मतलब उसका एग्जाम्पल में एग्जैक्टली ये है बेसिकली उसका एग्जाम्पल कि जिस उसका जो टाइम सिग्नेचर बनाया गया ना वो पहले गिटार पे बना, तो गिटार पे जिमी पेज उनके गिटारिस्ट ने गाना लिखा बट कोई ड्रम का टाइम सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा था उससे. ड्रमर तो बहुत ट्राई करा जॉन बोनम ने, इवेंचुअली उसने एक ऑफ टाइम सिग्नेचर का इस्तेमाल करा. इसका टाइम भी ऐसे बन गया 8/3/4, makes no sense. Right. When you hear it, bro, it's perfect. I think good music वही होता है ना कि जो predictable, मतलब जैसे highly acclaimed music अगर हम कहें कि predictable नहीं जा रहा नोट, जो हम सोच रहे हैं कि जैसे दारू पी ली मैंने आज, पार्टी कर ली मैंने, ये प्रेडिक्टेबल है, तभी लोग इसको गंदा बोलते हैं या मतलब बेसिक बोलते हैं. जबकि दिमाग में सबसे ज्यादा यही बैठता है तभी पार्टी नंबर्स आर सिंपल, बट व्हाट यू थिंक ऑफ एज आर्टसी और लाइक वेरी म्यूजिक टेक्निकली गुड इज समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड. तुम्हारा जो नोट है वो एकदम से कहीं और चला गया, जैसे ए आर रहमान के गानों में बॉलीवुड में कहीं ना कहीं हमें अच्छे वाले फिल्म स्कोर्स है राइट. And I think इसका psychology से भी relation होता है कि when I don't know क्या, but मैं ज़्यादा intellectualize नहीं करूँगा. जो तू बात कह रहा है इसको, उसका ये होता है कि जब हमारी expectation break होती है हमें अच्छा लगता है. Exactly. That's what comedy also does कि तुम जो तुम expect कर रहे हो उसे break कर देगी, तभी तुम हाहा हो जाते हो. Even music में जब तुम expect नहीं कर रहे हो और जब वो अलाप खींच लिया उसने तो तुम्हें लगता है अरे भाई goosebumps जब आते हैं.
तो आई थिंक तभी आते हैं, तभी जैसे बच्चे जो होते हैं वो अगर तुम उन्हें कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स म्यूजिक सुनाओ तो वो नहीं सुन सकते, नर्सरी राइम याद रखते हैं, यू नो राइट, देयर वाज अ कैट, देयर वाज अ माउस, जो भी कुछ इजी होता है ना, बट एज यू ग्रो अप आई थिंक योर नीड फॉर मोर नॉवेल्टी इंक्रीजेस, तो तुम्हें वो चाहिए होता है कि कुछ डिफरेंट आ जाए, कुछ बढ़िया आ जाए, राइट, इंटरेस्टिंग. मैं काफी बार सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को क्या मैं ऐसे क्या कर रहा है मेरा बेटा, हम मैं सोचता हूँ ऐसे बोलते हैं तो क्या वो बच्चे और चूतिए बन जाते हैं या हम उनकी भाषा में बात करने का ट्राई कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करूं, पता नहीं क्या होता है ऐसे. जब बच्चे होंगे तभी पता लगेगा उस चीज का, तो किस मेरे को एक चीज पता है अपने बच्चों के साथ करनी है, वो है क्योंकि मैंने एक बार एक रिसर्च पढ़ी थी कि आप उनको अगर जितनी भाषाएं सिखाते उतने उनके दिमाग के चक्षु खुल जाते हैं, तो मैं तो कई भाषाएं, राइट राइट, बच्चे स्पेनिश भी सीखे, इंग्लिश भी सीखे, हिंदी भी सीखे, एक और भाषा सीखे, तो हालांकि ना रहे हो, रहे एक कंट्री के अंदर, जो क्योंकि राइट ऐसा कहते हैं ना कि तुम हर भाषा में अलग तरह से सोचते हो. हाँ? जो वो मूवी भी आई थी, कौन सी थी वो, जिसमें यार अलग भाषा में वो एक एलियन से बात करते हैं, बड़ी अच्छी मूवी है वो, ए से नेटफ्लिक्स पे है वो, पता नहीं क्या मूवी है, अच्छी मूवी है बहुत, मैं नाम अब सोचूंगा तुम, यार अराइवल मैंने नहीं देखी, ऐसे कुछ करके ही है. तो उसमें बेसिकली यही होता है कि वो भी कहीं ना कहीं यही कहना चाह रही है कि ऐसा होता है ना कि तुम हर भाषा में अलग तरह से सोचते हो, लाइक इवन एज सिंपल एज हिंदी और इंग्लिश में जो मैं हूँ वो बहुत अलग हूँ, मैं इंग्लिश में एक अलग तरीके का इंसान हूँ. इंग्लिश में मेरे को अपने आप को डिफाइन करने का अवसर स्कूल के बाद बाहर जाके मिला, तो मैंने देखा यहाँ तो बड़े सारे स्कोप है नए आइडेंटिटी बनाने के, क्योंकि यहाँ पे सेम कल्चर वाले वो बैंडविड्थ लिमिटेशंस नहीं है अब, तो क्या मैं अपने आप को नीडलेसली इंटेलेक्चुअलाइज कर सकता हूँ या मैं अब एक जोकर टाइप बन सकता हूँ, वो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं. जैसे बैठ के बोले यार करें एक काम करते हैं साथ में ना, ये स्पेनिश एम्बेसी से जाके अब स्पेनिश की क्लासेस सीखते हैं, जैसे जैसे हम स्पेनिश सीखना शुरू करेंगे हमारी उस पर इतनी पकड़ होगी, हम सोचना शुरू करेंगे उसमें. हो सकता है तू बोले यार ये जो करंट का हिंदी वाला या इंग्लिश वाला बता रहा है ना बड़ा लिमिटिंग है, ये तो मैं जानता ही हूँ, कुछ नहीं चलो आशिक बन जाते हैं स्पेनिश में, तो वो तुम कर सकते हो, वो पर्पस है. बट मैं यार ये सोचता हूँ ये प्रैक्टिकली सही में लागू करेगी ये एडवाइस, क्योंकि स्पेनिश के उस कंफर्ट में आने में, जैसे हिंदी हम बहनचो बचपन से सुन रहे हैं तभी हम मैं हर चीज को हिंदी में समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ, इंग्लिश भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं एटलीस्ट स्कूल में सुनी, तो स्पेनिश उतने साल क्या पता कितने साल सीखनी पड़ेगी कि मैं उस अपना एक रूप उस लैंग्वेज में डिस्कवर कर पाऊं, या बस बोलने बोलने की बात है पॉसिबल कि भाई आई थिंक वो चीज एक तो एक्सपेडाइट हो सकती है, स्पीड अप हो सकती है थ्रू बहुत सारा स्पेनिश मीडिया कंज्यूम करना करने से, या है ना, क्योंकि फिर एकदम पे कि भाई मेरी तो डाइट ही स्पेनिश वाली हो गई है, राइट, क्योंकि फ्रेंच तो ऐसे मैंने भी 3-4 साल स्कूल में जो भी कितने 4 साल सिखाते हैं सीखी, बट मेरे को तो क्या ही बस वो ग्रामर ही सीख पाया अभी तक, याद जो है जमा तुता पहले याद है मेरे को, कोमो सावा याद है, तो उससे मैं थोड़ा ना यार, फिर तो मेरे को लीव नहीं थी तो लिटरली तो मैं कहां सोच पा रहा हूँ कि फ्रेंच में मैं इस तरह का इंसान हूँ. बट यार जो ये जितने भी लैंग्वेज लर्निंग के सिस्टम्स है ना, ये 2-3 साल की जो रगड़ाई कराते हैं ये ब्रोकन है ब्रो सारे. ये मेरे पास किताब बड़ी लैंग्वेज हैकिंग इन स्पेनिश, इस बंदे का सारा फंडा ये है कि भाई वो सारे वर्ड सीखो जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और ये मत सीखो कि मैं तुम्हें 2 साल काम करना है, ये सीखो मेरा गोल है आई वॉन्ट टू हैव अ 5-मिनट कॉन्वर्सेशन विद समवन एल्स इन स्पेनिश. That's one way to look at it. तो his whole idea is ये पूरा hacking करो. मतलब ये जो एक तरीका है ना traditional की मैं class जा रहा हूँ 2 साल, कह रहे broken है bro ये. अपने transaction के basis पे language सीखनी है, बाकी सब कुछ approximate हो सकता है. Right. ये बढ़िया लगा. But फिर वो specific type के लोगों के लिए है ना. मतलब मेरे को नहीं life as a life skill मेरे को काम थोड़ा आएगा कि मैं मतलब of course मैं किसी दूसरे देश में जाऊँगा मेरे को एक ice breaker मिल जाएगा, मैं शुरू में 5 मिनट conversation कर पाऊंगा उस language में. But actual life में मेरे को जो ट्रेडिशनल अप्रोच लैंग्वेज हैकिंग का वो ब्रोकन है एक तरह से यार. अच्छा, समझ के. मतलब एक तरह से वाली बात है कि करण बिकॉज सिंस यू ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस विद यूट्यूब राइट, मे बी व्हाट यू कैन टीच इन एडिटिंग क्लास इज गोना बी फार बेटर देन एक FTI प्रोफेसर. मैं तेरे को सेम तुलना में नहीं डाल रहा, ना मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ, पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि क्योंकि जो तेरे पास है वो इन अ वे बहुत सारे फ्लफ के थ्रू काटता हुआ चला जाएगा ना, जो लोगों को लगेगा कि अच्छा ये got it 100% that's the benefit of थोड़ा उसको 100% I see what you're saying. हाँ हाँ हाँ. And I see that happening. जो ये film courses होते हैं 2-2 हफ्ते वाले weekend courses,
उसमें मेरे को पता है कितना चुतियापा तुम्हें सिखाती है वो, जो कि एक घंटे का तुम YouTube ट्यूटोरियल देखोगे बेसिक्स अबाउट ISO शटर स्पीड अपर्चर, वो तुम्हें एक महीने का काम एक हफ्ते एक घंटे में पता लग जाएगा। तो या आई सी व्हाट यू सेइंग, समझ गया एग्जैक्टली। जैसे ये चीज मतलब नॉट टू टूट माय ओन हॉर्न, मेरे को भी पता है कि यार जैसे मैं आगे जाके और राइटिंग सिखाऊंगा ना, तो मेरे को ये पता है कि इंटरनेट राइटिंग कैसे काम करती है। मैं नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें शेक्सपियर बना सकता हूँ, फ्रेंकली तुम्हें शेक्सपियर बनना है तो तुम उस तरह की क्लास लो। मेरे को पता है कि यार अच्छा तुम्हें इन इन चीज़ों की जरूरत है, तुम्हारी राइटिंग शार्प होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, कम शब्दों के अंदर ज्यादा बात करनी चाहिए, हुक्स होने चाहिए उसके अंदर, हम छोटी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब बड़े सिंपल सिंपल से मैंने वर्ड राइट। और ये चीज तुम एक क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स में कॉलेज में जाके पढ़ोगे 2 साल के लिए, तो तुम लंबे लंबे फ्लावरी एसेज लिख सकते हो। पर अगर तुम्हारा इंटेंट है कुछ बेचना, अपने आइडियाज कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना, एक एक डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस की अटेंशन लेना, तो वो राइटिंग काम नहीं करेगी फिर। फिर तो वही आपने जो बताया ट्यूशन क्लासेस वाला जो है, दैट्स वे मोर इफेक्टिव देन एग्जैक्टली, क्योंकि उससे मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है ना। आधी बार तो हमारा दिक्कत ही होती है ब्रो, लाइक यू नो सो मेनी स्टूडेंट फिल्म्स आर एब्स्ट्रैक्ट एंड एक्सपेरिमेंटल बट दे डोंट गेट द जॉब डन। ब्रो यार मेरा ना थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, कहता हां यार एक्सपेरिमेंटल है, बट इट्स जस्ट लाइक अ चीप वे ऑफ सेइंग यू यू नो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ वर्क ऑफ आर्ट ब्रो, इट्स शिटी। राइट राइट। और ऑनेस्टली ना मेरे को काफी, मैं इसलिए ज्यादा आर्टसी सिनेमा देख भी नहीं पाता, मैं उस टाइप का कंज्यूमर हूँ नहीं, और मैं ना बन पाऊंगा, मैं कभी इतना आर्टसी डायरेक्टर बन नहीं पाऊंगा जो कोट एंड कोट आर्टसी। या सही है, ठीक है ब्रो, फिर फन टाइम लाइकवाइज। बिना रिटेनर के मेरे मुंह में दर्द होना शुरू हो जाता है, ज्यादा देर तक नहीं पहनता। अच्छा। मेरे को ब्रेसेस वगैरह लगवाने यार, पूरा जबड़ा टेढ़ा और क्या पूरा। रिटेनर और ब्रेसेस में फर्क क्या होता है? रिटेनर रात को पहनते हैं, सॉरी मेरे पास बाइट प्लेट है, बाइट प्लेट ऊपर लगती है इधर ऐसे, जॉ को थोड़ा सेपरेट करने के लिए, टेंशन ब्रेक करने। ये काम काम दांत सीधा करना ही होता है दोनों का? नहीं, एक का काम होता है जॉ डिस्प्लेसमेंट को जहां तक हो चुकी है उस तक रोकना। यार ये तो मेरे को भी, देखो मेरा मेरा जॉ खराब है। कैसे? आई बात आ रही है? हाँ हाँ। तो ये मैंने सुना है ड्वेन रॉक जॉनसन का भी है, मेरी ये अटकी हुई है। मैंने ऐसा ऐसा बीमारी ना, कोई ऐसी बीमारी नहीं है मामूली, बड़े लोगों को भी होती है बीमारी। ये वरुण धवन ने उसके इंटरव्यू में कहा था, क्योंकि वरुण धवन को भी सेम ये प्रॉब्लम है। मैं बस वरुण धवन नाम नहीं लेना चाहता था, मेरे को लगा। और ये मेरे को पता क्या हुई थी, मैंने ना स्टार्ट अपना करियर क्रिकेट से करा था। हाँ, तो मैं बैटिंग करने गया था, मेरा हेलमेट मैंने उतारा और मेरा जैसे हेलमेट में जबड़ा बंद हो जाता है ना, मेरा 3 दिन तक जबड़ा बंद रहा था, इससे ऊपर नहीं खुलता था। तो मेरे को बहुत, मैं उबासी भी नहीं ले पाता था, उबासी लेता था बीच में अटक जाती थी। अभी भी मेरी काफी सारी उबासियां बीच में ही डिसमेंटल हो जाती है, मैं यहां तक जाता हूँ और वो मुंह लेने नहीं देता उबासी तो मेरा। और मैं बर्गर वर्गर भी ज्यादा मोटे नहीं खा पाता। ये इसको बोलते हैं, हो सकता है मैं जो डेंटिस्ट बन चुका हूँ, इतनी इसकी वो ठुकाई पिटाई करा चुके कि इसको TMJ बोलते हैं। पर तेरा हो सकता है तेरा लॉक जॉ, तेरा माइनर लॉक जॉ वाला केस हो, जहाँ पे जॉ एक सर्टन पोजिशन पे जाके लॉक हो जाता है। हाँ। तो ये मेरे को पता नहीं है, जो TMJ होता है, TMJ ये है कि टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर, यहाँ एक नर्व होती है मैंडिबुलर नर्व, उससे नीचे जो ये जो स्कल है ना तेरा, ये मेरे ख्याल से ऐसा कुछ ही है। मेरे दवाइयां जब एक बार बीच में मेरे को बोली हुई थी डॉक्टर ने, वो इसकी बोली थी, फिर कहा था कि इसका ऑपरेशन वगैरह हो सकता है, बट अगर ऐसे जी सकते हो जी लो। मैं कहा मेरे को नहीं कराना ऑपरेशन। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही चलती है। तो बेसिकली अगर तू डेंटिस्ट के पास जाएगा, वो तेरा दांत कई, जैसे इसका मेन सीन क्या होता है, एटलीस्ट मैं अपने वाले का बता सकता हूँ, तेरे में लॉक जॉ में थोड़ा अलग होगा, हो सकता है तेरे यहाँ के मसल्स तेरे को लूज करने पड़े, हो सकता है कि एक चीज होती है जैसे ना ये जो दांत है ना, हाँ, ये ऐसे आने चाहिए परफेक्ट। लोगों के दांत ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन और टेंशन करते हैं। कई लोगों के दांत नीचे वाले आगे आ जाते हैं जबकि ऊपर वाले आगे आने चाहिए, या डिस्टेंस कम होता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि मैं अपना जबड़ा बंद करूंगा ना, तो ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ बंद होगा। इसका तो डेंटिस्ट ही बता सकता है। पर मेरे को ये पता है कि इसको तू अगर ढंग से ट्रीट नहीं करेगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस चीज का रहते हैं और ये क्रॉनिक पेन में डेवलप होता है, डरा नहीं रहा, पर मुझे पता है कि जैसे कई बार ना फिर आदत पड़ जाती है इतने सारे दर्द के साथ रहने की, फिर जब तुम कुछ पेन रिलीज होता है, रिलाइज होता है, right. सारे दर्द का रह रहा हूँ एक्चुअली, राइट राइट। तो वो सीन है, दिस गेट्स वर्स विद स्ट्रेस,
तो इफ यू हैव नॉट स्लेप्ट और हैविंग अ स्ट्रेसफुल डे तो वो और महसूस होगा. इंटरेस्टिंग. मेरे को टेंशन हो रही है बैठा. नहीं नहीं इसी के साथ हमने टेंशन बिल्ड कर दिया. टेंशन रिलीज करने पड़ेगी जैसे कि एडिटिंग में. टेंशन रिलीज करने के लिए आप कर सकते हैं सब्सक्राइब. कहीं पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां आपका मन करे. किसी पत्रिका को सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं एक चीज बताऊं. मैंने नजारे प्रोडक्शंस खोल के यूट्यूब मैंने वेबसाइट जब करी थी तो वेबसाइट पे मेरे को यूट्यूब वीडियोस एम्बेड करनी थी. वेबसाइट पे नहीं डालनी थी जिनको थोड़ा बहुत पता होगा. विक्स पे बना रहा था तो एम्बेड करना था यूट्यूब प्लेयर. तो मैंने एक चैनल ऐसी खोला सारी वीडियोज ऐसी डाल दी कि मैं एटलीस्ट वेबसाइट पे डाल पाऊं. मैंने चैनल वो सारी वीडियोज बल्क में एक ही दिन में 50-60 वीडियोज डाल दी थी मैंने क्योंकि सारा पोर्टफोलियो काम उस पर डाल दिया. एक महीने बाद देखता हूँ एक वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज चले गए थे यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू. और फिर रोज देख रहा हूँ अभी उस वीडियो पे 7 मिलियन व्यूज है. क्या बात कर रहा है तू. यस. तो मेरे चैनल पे 22,000 सब्सक्राइबर्स हैं नजारे प्रोडक्शंस पे. तो गाइस उसको भी सब्सक्राइब कर लो. मैं यूट्यूब बंद कर रहा हूँ. भाई करण के पहले चैनल पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे एज अ किड. नहीं बट मेरे पहले चैनल पे जिसको मैंने 5 साल दिए थे अपनी जिंदगी के आज तक 1 मिलियन व्यूज आए थे एक बार एक वीडियो पे. इस पे मैंने लिटरली अपना काम एज इट इज डाला है. कुछ भी नहीं लिखा. डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम भी नहीं था. और वो यूट्यूब शॉर्ट्स कोई फीचर आजकल चल रहा है मेरे को पता भी नहीं था यूट्यूब अपलोड का क्या सीन है कैसे. 1 मिनट से कम की वर्टिकल वीडियो थी बेसिकली तो उसपे 7 मिलियन व्यूज आएगी. दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं गांड घिसा के बोलते हैं कि मैं ये काम करूंगा. ठीक है हर रोज आते हैं कि दोस्तों आज मैं आपको राइटिंग सिखाता हूँ आज मैं ये करता हूँ आज पॉडकास्ट करता हूँ. एक आदमी होता है अपने 30 डे चैलेंज एडिटिंग स्टूडियो में बैठ के कि यार ये मेरा काम में डाल देता हूँ भूल जाता है. मतलब तुम्हारी इग्नोरेंस में व्यूज आ रहे हैं. That's right. दे रहे. That's right. नहीं ब्रो ऑल इन ऑल इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट. बहुत बढ़िया है कि यूट्यूब शॉर्ट्स पुश दैट. मुझे भी कई सारे लोग कह रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाने के लिए इन्होंने ये बट बड़ी चिंदी जनता आती है उस पर. मतलब लिटरली कमेंट्स में कुछ हाय माय नेम इज राहुल भाई सब होगा नंबर भाई मतलब व्हेन योर वीडियो गेट्स वायरल तो वही जनता आएगी. बट या फॉर श्योर चल ठीक है सब्सक्राइब. चलो जी नजारे प्रोडक्शंस. या दैट्स राइट एज ऑलवेज फन टाइम विद करण चावला.